लास्ट हमने जो बनाया था एक वेदर ऐप बनाई थी हमने रिएक्ट को इस्तेमाल करते हुए, और उस पर पहले तो हम वेदर की एपीआई दूसरे लोगों की बनाई भी कॉल करते थे, अब हमने खुद की अपनी एक एपीआई बनाई थी। अच्छा, जो आगे आना चाहे वो आगे आ सकता है क्योंकि अभी थ्योरी की क्लास है ज़्यादातर ना, ठीक है। तो अगर कोई फ्रंट पे आगे बैठना चाहता है तो फ्रंट पे आ सकता है ताकि उसको स्क्रीन बेटर दिखे। तो इस लास्ट जो क्लास में हमने आप लोग नहीं आप खड़े रहे पीछे तो इस जो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, वेदर ऐप बिल्कुल सेम बनाई थी जैसी हम पहले बनाते रहे HTML के ज़माने में, और वो हमने रिएक्ट पे बनाई थी, और उसमें हमने बजाय किसी और की API कॉल करने के हमने खुद की API एक तैयार की थी एक्सप्रेस के ऊपर, वो हमने कॉल की थी और उससे हम डेटा लेकर आए थे। तो हम एक्चुअली क्या सीखा था हमने इस ऐप के अंदर कि एक सर्वर को खड़ा कैसे किया जाता है और उसको होस्ट कैसे किया जाता है उस सर्वर को, और फिर अपनी खुद की बनाई हुई रिएक्ट की एप्लीकेशन से उस सर्वर से बात कैसे की जाती है। तो ये बेसिक कम्युनिकेशन जो होता है क्लाइंट का और सर्वर का, ठीक है। क्लाइंट का मतलब फ्रंट एंड, वो HTML और JavaScript में भी हो सकता है, प्लेन JavaScript में, और वो रिएक्ट में भी हो सकता है या किसी दूसरे फ्रेमवर्क में भी हो सकता है। तो इसको इन जनरल क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। कि क्लाइंट आपका फ्रंट एंड होता है, वो क्लाइंट मोबाइल ऐप भी हो सकता है, वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है। तो क्लाइंट का और सर्वर का जो बेसिक कम्युनिकेशन थी वो हमने इस पॉइंट तक करवा लिया था। अच्छा, आज हमने यहाँ पे क्या करना है, आज हमने जो सर्वर खड़ा करते हैं उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, कुछ पांच हैं वो प्रिंसिपल, कुछ लोग छः सात भी लिखते हैं लेकिन बेसिकली वो पांच ही हैं। तो हम जो सर्वर की APIs एक्सपोज करेंगे, हमने लास्ट क्लास में APIs को भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि API होती क्या है। तो हम अपने सर्वर की जो API एक्सपोज करेंगे उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। रेस्टफुल API is one of those principles, ठीक है। तो हम इस क्लास में REST API के principles के ऊपर सर्वर लिखा करेंगे, तो वो principle हम डिस्कस करेंगे। REST API के अलावा भी बहुत सारे principles मौजूद हैं, जैसा कि SOAP एक principle है, ठीक है। उसके अलावा XML के और भी बहुत सारे हैं। तो REST API जो है वो most popular है, और अभी enterprise में REST API इस्तेमाल हो रही है, सब लोग उसको commonly use कर रहे हैं, तो हम इस वजह से REST API कर रहे हैं। SOAP थोड़ा सा पुराना हो गया, वो PHP वगैरह के ज़माने में SOAP APIs इस्तेमाल होती थी। अच्छा, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं, इसी फोल्डर की कॉपी बना लेते हैं, क्योंकि मोर और लेस वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। और ज़रा कॉपी कंप्लीट हो जाए तो फिर इसका मैं नाम चेंज करके क्या कर देता हूँ, 5 और MongoDB तो नहीं, करंट एप्लीकेशन हम इसका ये नाम रख देते हैं। हम क्या करेंगे, एक फ्रंट एंड अपना तैयार करेंगे, उसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे होंगे एक्चुअली हम, ठीक है। आमतौर पर टू डू भी बनाते हैं लोग, लेकिन टू डू को ही अगर मैं थोड़ा सा बेहतर नाम दे दूँ तो वो प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। टू डू में एक आइटम होता है, प्रोडक्ट में नाम, प्राइस, उसकी डिस्क्रिप्शन, दो तीन चीज़ें होंगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको नाम दे देना है 5 करंट ऑपरेशन विथ React and Express with REST API, बल्कि REST API को शायद मैं शुरू में लिख देता हूँ क्योंकि टॉपिक हमारा एक्चुअली REST API है, और हम इसके लिए एग्जाम्पल जो बना रहे हैं वो हम क्या बना रहे हैं, ये करंट ऑपरेशन की बना रहे हैं। अच्छा, REST API को ना RESTful API कहते हैं सर, मैं पूरा नाम जो इसका वो RESTful API है, ठीक है। रेस्टफुल API और करंट ऑपरेशन विथ React and Express, ठीक है। इसमें MongoDB शामिल नहीं है फिलहाल के लिए, हम इसी में अगर नेक्स्ट क्लास में MongoDB को ऐड करेंगे तो ये इसमें एक्चुअल डेटाबेस नहीं होगा, हम सर्वर पे असल में एक वेरिएबल बना के कर लेंगे। मैं डेटाबेस डायरेक्ट ऐड कर सकता था लेकिन आई बिलीव इन वन थिंग एट अ टाइम, तो एक एक करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर एक साथ में डेटाबेस वगैरह इंक्लूड कर दूँ तो शायद बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, तो ये मैंने बना दिया जनाब, अब इसके बाद सर्वर में आ जाता हूँ। अब इसके सर्वर में आने के बाद हम ज़रा देख लेते हैं कि अभी तक इसमें क्या बना हुआ है। इसके अंदर हमारे पास एक्सप्रेस इंक्लूड हुआ है जो कि हमारा मेन फ्रेमवर्क है सर्वर लिखने के लिए। उसके अलावा पाथ हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो कि Node.js की बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं उसको। क्रॉस ऑरिजिन के लिए कोर्स की एक हमने लाइब्रेरी इस्तेमाल की है इसमें।
अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये एक्सप्रेस इनिशियलाइज हुआ हुआ है, ये बोर्ड का नंबर है, ये दो मिडलवेयर इस्तेमाल हुए हैं, नंबर एक कॉर्स है जो ऊपर इनको लगाया था हमने क्रॉस ऑरिजिन रिक्वेस्ट के लिए। उसके अलावा हमने बॉडी को पार्स करने के लिए एक्सप्रेस डॉट जेसन लगाया कि अगर पोस्ट की रिक्वेस्ट में बॉडी में डेटा आएगा तो उसके बगैर नहीं होता काम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक API बनी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड ABC/ABC। अब /ABC पे हम कुछ सर्टन एक रिस्पॉन्स भेजते हैं, ठीक है। अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है कि अभी हम क्या रिस्पॉन्स भेजते हैं, लेकिन हम अभी तक कौन कौन से रिस्पॉन्स भेज कर देख चुके हैं। हम दो तरह के रिस्पॉन्स सर्वर से भेजना सीख चुके हैं, नंबर एक टेक्स्ट जो कि ये हो रहा है, ये टेक्स्ट रिस्पॉन्स है, और नंबर दो हम जेसन या जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो भी कह रहे हो उसको। तो जेसन रिस्पॉन्स भी हम भेजना सीख चुके हैं यहाँ से। अच्छा, तो अच्छा ये जो सारी चीज़ें हैं उसको मैं उड़ा देता हूँ। एक API हमारे पास और बनी हुई है /weather/citynames, एक हमारे पास ये API बनी हुई है। ये API क्या करती है, जेसन रिस्पॉन्स भेजती है, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट और जेसन दो तरह के रिस्पॉन्स भेजना सीख लिया। एक और हमारे पास टाइम है, तो मैं इन तमाम APIs को हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इन तमाम APIs को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। और मुझे अब क्या चाहिए, क्योंकि हम करंट ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो मुझे चार APIs चाहिए, नंबर एक प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई क्या नाम रखना चाहिए मुझे इसका, इस API का नाम क्या रखना चाहिए, आप भी जवाब दे सकते हैं जो पीछे खड़ा है। प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, कैमल केस में लिख दो सही रहेगा। ऐड प्रोडक्ट में S लगेगा या नहीं लगेगा, लगा दें तो ठीक है, नहीं लगाए तो भी कोई मसला नहीं, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं इससे, अच्छा ये पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी ऑब्वियसली, क्योंकि डेटा सर्वर पे पोस्ट किया जा रहा है, कहीं से सर्वर पे पोस्ट किया जा रहा है, तो ये पोस्ट की API होगी। ऐड प्रोडक्ट्स, अच्छा फिर मैं क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि डेटा इसमें कहाँ पर आएगा। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि डेटा जो है वो तीन या चार तरीके में हमने डिस्कस किए थे कि भाई उसमें डेटा भेजा जा सकता है। अगर मैं लास्ट क्लास में जाऊँ, ये देखें, URL params में, query parameter में और body में, ठीक है, ये तीन तरीके हो सकते हैं। तो ये जो product एक add होने लगी है अभी, इसका data कहाँ पे आना चाहिए, क्यों body में क्यों आना चाहिए, body में क्यों आना चाहिए बताओ ना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तीन option है तो body में ही क्यों रख के भेज रहा हूँ। सिक्योर है बॉडी, ठीक है, बिल्कुल सिक्योर है बॉडी, इस वजह से हम बॉडी में रख के भेजेंगे। क्योंकि अगर कोई दराज का कोई सेलर अगर प्रोडक्ट ऐड कर रहा है दराज की और स्टोर पे, तो वो इंटरनेट की दुकान वाले से जो होता हुआ जा रहा है डेटा, उसको मैं बताना नहीं चाहता, उसको मैं सीक्रेट रखना चाहता हूँ इंटरनेट के दुकान वाले से, या कोई भी मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है, या कोई भी जो सेम नेटवर्क पे, मगर जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ इस बिल्डिंग के अंदर, तो इस सेम नेटवर्क पे दूसरे भी लोग मौजूद हैं जो कनेक्टेड हैं, तो उनसे मैं उसको सिक्योर रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं बॉडी में डालकर भेजूंगा उसको। अगर मैं URL में डालकर भेजता हूँ, तो इस बिल्डिंग का जो राउटर लगा हुआ है, वो राउटर उस URL को देख पाएगा, तो मेरा डेटा भी देख पाएगा, राइट। तो मैं उनसे बचाना चाहता हूँ, तो मैं बॉडी में डालकर भेजूंगा। अच्छा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अभी मैं ये आपको रिक्वायरमेंट स्टडी करवा रहा हूँ कि कहाँ हम एक छोटा सा चीज़ लिखेंगे, ये अभी REST API के पैरामीटर्स पे पूरा नहीं उतरता, अभी उसको पैरामीटर पे पूरा उतारेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई const body equals to request dot body, ठीक है, क्योंकि ऊपर बॉडी पार्सर यहाँ पे लगा हुआ है, तो मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर पूरा का पूरा बॉडी में जो डेटा है वो मुझे मिल जाएगा, तो ये बॉडी मेरे पास यहाँ हो गई। अच्छा, अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस बॉडी में मुझे क्या क्या मिलेगा, इस बॉडी में मुझे मिलेगा प्रोडक्ट का नाम, राइट, प्राइस और डिस्क्रिप्शन, ये तीन चीज़ें मुझे मिलेंगी। और समहाउ मैं क्या करूँगा, इसको किसी वेरिएबल में या किसी एरे में इसको स्टोर करवा दूँगा, तो उसके लिए मेरे पास एक एरे होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कहा लेट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू empty array, राइट। अच्छा, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये वाली जो चीज़ है, ये वेरिएबल, ये जब जब मैं सर्वर को रीस्टार्ट करूंगा, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और दोबारा से बनेगा, सही है। यानी जितना भी कुछ इसमें सेव किया जा रहा है सर्वर में, वो जब तक ही सेव रहेगा जब तक सर्वर रीस्टार्ट नहीं हो जाता। तो ये वेरिएबल की जगह पे अल्टीमेटली क्या होगा, डेटाबेस होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ,
todo, connect with MongoDB instead, right? ठीक है, तो ये तीन चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे पास आएंगी. अच्छा, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मेक श्योर करूंगा कि मेरे पास ये तीनों चीजें आएंगी, राइट? यही करूंगा ना मैं. तो मैं क्या करता हूं, मैं लगाता हूं एक अदद इफ यहां पे. मैंने कहा इफ ये तीनों चीजें होनी चाहिए लाजमी, और मैं इसमें क्या लगा दूंगा, एंड लगा दूंगा. ये समझ में आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है? जरा जूम इन कर देता हूं मैं. ये इफ की ब्रैकेट शुरू है और ये इफ की ब्रैकेट खत्म है. बॉडी डॉट नेम एंड बॉडी डॉट प्राइस एंड बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन, ये इफ जब ही ट्रू होगा जब इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी या ट्रूथ ही वैल्यू होगी, जब ही है ट्रू होगा इफ. ठीक है, तो इस इफ के अंदर अब बाकी सारा काम होगा. सही है, इस इफ के अंदर अब बाकी का सारा काम इस इफ के अंदर होना चाहिए. अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इस इफ के अंदर करूंगा ना इसको, देखो अब ये कट किया मैंने और इसको पेस्ट किया, तो अब ये देखो एक स्टेप ना आगे हो जाता है. ये देख रहे हो, ये वाला एक ये वाला लेवल था जिस पर रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, क्योंकि अब तो मैं सारा का सारा काम इसके अंदर करवाऊंगा, तो मैं जैसे ही इसको उठा के इसके अंदर करूंगा ना, तो ये एक स्टेप आगे चला जाता है. ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए और कोड को क्लीन रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्या करूँगा, अच्छा एल्स भी बनेगा मेरे पास. एल्स में मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड और बैक डेटा. यस, मैं ये लिख सकता हूँ, मैं क्या रिक्वायर्ड पैरामीटर्स मिसिंग. ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं, रिस्पॉन्स में भेज रहा हूँ मैं. अच्छा, इस रिस्पॉन्स को भेजते हुए मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि स्टेटस कोड क्या है, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट जब मैं ऐसे रिस्पॉन्स डॉट सेंड करता हूँ ना, तो ब्राउज़र को पता नहीं चलता कि ये एरर है या सक्सेस है या क्या है. तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट स्टेटस और इसमें लगाऊंगा मैं 400 लगा सकता हूँ मैं. 400 का मतलब होता है बैड डेटा, आई थिंक फॉरबिडन होता है. ठीक है, अब ये स्टेटस कोड क्या होता है, जब भी मेरे सर्वर पे एरर आएगा तो मैं एरर का मैसेज तो भेजूंगा, स्टेटस कोड साथ में भेजूंगा. तो आप जाके अलग से अगर लिखेंगे ना यहाँ पे HTTP स्टेटस कोड, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी. अच्छा, स्क्रीन गई हुई होगी, लगा देता हूँ वापस. अब देखो स्टेटस कोड जो है ना, वो कोई बहुत प्री डिफाइंड नहीं है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, आप जो कोड लिख के भेजेंगे ब्राउजर पे वही पहुंच जाएगा. लेकिन 100 से लेके 199 तक इंफॉर्मेशनल समझा जाता है, कि अगर इनमें से कोई कोड आता है ना, तो ब्राउजर समझता है कि सर्वर ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है. ठीक है, 200 से लेके 299 तक का जो स्टेटस कोड होता है, उसको सक्सेसफुल रिस्पॉन्स माना जाता है ब्राउजर की तरफ से, कि जो कुछ करने के लिए गया था सर्वर पे रिक्वेस्ट, वो करके वापस आया, तो सक्सेसफुल हो गया. ठीक है, नंबर थ्री पे 300 से लेके 399 तक रीडायरेक्शन मैसेजेस होते हैं, कि भाई सर्वर पे कुछ करने गया था लेकिन सर्वर ने क्या बोला, कि अभी वो इधर से कहीं और चला गया, मूव हो गया, तो सर्वर बोलते हैं जाओ आगे जाओ, तो रीडायरेक्शन के वो मैसेजेस होते हैं. तो जब रीडायरेक्ट करेंगे तो हम इनमें से कोई कोड देके करना पड़ता है. नंबर फोर, अब ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज हो रहे होते हैं. ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट तो होता ही है सक्सेस, मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो 200 लेता है. ये वाले दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं. अगर क्लाइंट की तरफ से कोई एरर हुआ है तो 400 से लेके 499 तक का कोई कोड हो सकता है. ठीक है, क्लाइंट की तरफ से एरर का मतलब है गलत URL लिखा है उसने, कोई पैरामीटर नहीं दिया, जो चीज़ फॉर्म में कोई रिक्वायर्ड पैरामीटर था वो नहीं दिया. तो हमारे केस में इनमें से ही कोई होगा, इतना तो पता चल गया. अब नीचे इसकी मज़ीद डिटेल देख लेते हैं. या इसी तरह से अगर यूज़र का इंटरनेट ही बंद हो गया, या यूज़र लॉगिन किए बगैर वो काम करने की कोशिश कर रहा है जो लॉगिन करने के बाद अलाउ होता है, तो 401 है उसके लिए अनऑथेंटिकेटेड. ठीक है, अगर सर्वर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, डेटाबेस डिस्कनेक्ट हो गया मिसाल के तौर पर, तो उसमें यूज़र का कोई कसूर नहीं है, वो सर्वर की तरफ से हुआ है, तो उसमें 500 से लेके 599 तक का कोई ना कोई कोड होता है. ठीक है, डेटाबेस डिस्कनेक्ट हो गया या सर्वर ऑफलाइन हो गया किसी वजह से, या किसी वजह से जो है वो सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा, या बहुत ज़्यादा वेट करवा रहा है सर्वर आपको, तो इनमें से कोई रिक्वेस्ट होगी.
तो हम जरा पहले तो इन दोनों को छोड़ के हम डायरेक्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्लिक करूंगा इस पे मैं, तो ये मुझे स्क्रॉल करके देखो नीचे ले आया। क्लाइंट एरर के जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले कोड है ना, वो यहाँ पे लिखा है। आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप यही कोड एग्जैक्टली यूज करें, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये है। 400 का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। इसमें मेल फॉर्म रिक्वेस्ट हो सकती है, जिस सिंटैक्स में आपको चाहिए था वो नहीं मिला आपको। 401 अनऑथराइज, कि बंदा लॉगिन नहीं है या लॉगिन का सेशन एक्सपायर हो गया, सही है, पासवर्ड गलत डाला है, तो 401 है। 402 है पेमेंट रिक्वायर्ड, कि आपने कोई चीज़ बाय करने पर डाला और पेमेंट आपका सेटअप नहीं हुआ हुआ या पेमेंट आपका डिनाई हो गया कार्ड आपका, तो फिर उस सूरत में आप ये वाली रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। 403 फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब है कि क्लाइंट डज नॉट हैव एक्सेस टू द कॉन्टेंट, ठीक है, आपको इस चीज़ का एक्सेस नहीं है। ये चीज़ मौजूद भी है, आप लॉगिन भी हैं, आपकी पेमेंट भी हुई है, लेकिन स्टिल आपको इस चीज़ का एक्सेस नहीं है। 404 आपने बहुत देखा होगा, नॉट फाउंड, URL गलत लिखा है, इस URL के अगेंस्ट कुछ भी डेटा मौजूद नहीं है, 404। 405 मेथड नॉट अलाउड, कि आप डिलीट नहीं कर सकते कोई भी चीज़, या डिलीट का मेथड कॉल नहीं कर सकते, आपको सिर्फ पोस्ट का मेथड कॉल करने के लिए अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं। अब एक लंबी लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं, इसको आप स्टडी कर सकते हैं और इसको आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अब नीचे हम चलते हैं सर्वर की तरफ। 500 इंटरनल सर्वर एरर, कोई खास डेफिनेशन नहीं बताई कि असल में सर्वर में हुआ क्या है। 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड, कि कोई आप ऐसी API कॉल कर रहे हैं जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई अभी तक। 502 बैड गेटवे, कि आपने कोई URL तो हिट किया है लेकिन उसके पीछे कुछ चल ही नहीं रहा, वो URL तो आपको गेट इस तरह सी चीज़ें मिलेंगी। सर्विस अनअवेलेबल, डेटाबेस ऑफलाइन हो गया तो आप ये बोलेंगे यार सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ देर बाद ट्राई करें, होता है ना नंबर बंद होता है किसी का, तो 503 हो, ठीक है। इस तरह इसी की भी लंबी लिस्ट है, सबके साथ उसकी डेफिनेशंस लिखी हुई है, इसको आप पढ़ें, इसको आप प्रैक्टिस करें तो आपको पता चल जाएगा। ये जो मोस्ट कॉमन स्टेटस कोड है, ये कौन कौन से ब्राउज़र में सपोर्टेड है, उसका एक चार्ट भी बना हुआ है, तो आप देखें तकरीबन तमाम ब्राउज़र्स जो है इसको इक्वली सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तमाम ब्राउज़र इसको, जो स्टेबल वर्जन है 100 इसका। क्या है ये 100, ये नहीं समझ आया। अच्छा, ये स्टेटस कोड है ये, ठीक है। 404 तमाम ब्राउजर इसको सपोर्ट करते हैं, 404 को, ठीक है। तो 400 से लेके 500 तक की जो भी चीज़ें, वो सारे ब्राउजर उसको सपोर्ट करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने गूगल पे क्या लिखा था, गूगल पे मैंने लिखा था HTTP स्टेटस कोड, तो ये पहला लिंक आया था मोज़िला का, MDN मोज़िला डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। तो हमने अब क्या किया, हमने यहाँ पे स्टेटस कोड लगा के भेजा है कि भाई इफ़ अगर ये तीनों पैरामीटर मौजूद हैं तो बाकी का काम करो अब जो करना है आपने, ठीक है। अगर ये तीनों पैरामीटर मौजूद नहीं है या कोई भी इशू है तो एल्स में रिस्पांस भेजो रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग और साथ में भेजो 400, ठीक है, कि मेल फॉर्म आया है डेटा मेरे पास। अच्छा, लेकिन जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कोड को क्लीन करने के लिए, इसको मैं पलट भी सकता हूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ के साथ नॉट लगाना पड़ेगा, बॉडी के साथ नॉट लगाना पड़ेगा, राइट। तो फिर अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको पलट सकता हूँ, ये एल्स वाला काम इफ में आ जाएगा और इफ वाला काम अब एल्स में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, एल्स अगर मैं ना भी लगाऊँ तो फर्क पड़ता है क्या कोई, अगर यहाँ से मैं एल्स हटा दूँ, अगर मैं एल्स हटा दूँ तो क्या होगा, एल्स हटाने की सूरत में यहाँ पे हटाना तो मुझे है, कोड क्लीन रखने के लिए मैंने ये हरकत की, लेकिन ऐसे जैसे ही मैं एल्स हटाऊंगा तो मेरे पास एक एरर आना शुरू हो जाएगा। वो एरर क्या होगा, वो एरर ये होगा कि अगर तो ये इफ़ ट्रू नहीं होता है तो फिर सीधा सीधा चलेगा, ये कोई मसला नहीं होगा। अगर ये इफ़ ट्रू हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से रिस्पांस क्या हो चुका है, रिस्पांस वापस जा चुका है, जो रिक्वेस्ट सर्वर पे आई थी वो रिस्पांस वापस जा चुका है। तो HTTPS की जो रिक्वेस्ट होती है वो एक बार ही रिक्वेस्ट आती है और उस रिक्वेस्ट का जब रिस्पांस चला जाए तो दैट्स इट, आप रिस्पांस को दोबारा भेजने की अहलियत नहीं रखते, ठीक है, रिस्पांस आप दोबारा नहीं भेज सकते। हाँ भाई, डिप्लॉय हो गया तुमसे, दिखा दिया तो तुमने, बोलो पता नहीं, छोड़ो खैर, भूल गया बैठे रहो। अच्छा हाँ जी, क्वेश्चन है कोई आपका? अच्छा अच्छा, तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, ये एक बार रिक्वेस्ट जब वापस चली गई ना, जो आई थी उसका रिस्पांस चला गया, तो अब दोबारा थोड़ी भेज सकते हैं, आप दोबारा तो नहीं भेज सकते, बंद हो गई कूलिंग उसकी।
चल रही है, सही है। तो अब यहाँ पे ये एक बार एरर का रिस्पांस चला गया और ये इफ ट्रू हो गया, इफ का काम कंप्लीट हुआ, जब ये इधर पहुंचेगा ना, ये बोलेगा अरे दोबारा रिस्पांस डॉट सेंड, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो आपको एक एरर देगा कि रिस्पांस ऑलरेडी सेंट, और वो एरर दे के आपको पूरा लाल पीला कर देगा आपके कॉन्सोल में, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा, देखो ये असल में एक फंक्शन है, अगर गौर से देखोगे ना, ये फंक्शन है, ये देख रहे हो, ये सब लोगों को पता है ना, ES6 में ऐसा फंक्शन बनता है एरो वाला, हम पढ़ चुके हैं ये डिटेल में। तो अगर मैं सबको अगर मैं वो करूँ क्लोज, तो ये फंक्शन यहाँ तक है, ये पिंक वाली बॉडी जो यहाँ से ओपन हो रही है, और देखो ये यहाँ पे क्लोज हो रही है। फंक्शन को अगर मुझे दरमियान में कहीं पर रोकना हो, ब्रेक, रिटर्न, ठीक है, ब्रेक जो होता है वो फॉर लूप में करता है सेम काम, ब्रेक को अगर फॉर लूप को बीच में रोकना हो तो ब्रेक लगा दो, फंक्शन को बीच में अगर रोकना हो तो रिटर्न लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक अदद रिटर्न लिख दूंगा, ठीक है। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि अगर ये इफ ट्रू होता है किसी भी वजह से, तो यहाँ से रिस्पॉन्स चला जाएगा एरर का, और ये रिटर्न जैसे ही देखेगा ना, तो इस फंक्शन को आगे वो रीड नहीं करेगा, सही है, इस फंक्शन को आगे रीड नहीं किया जाएगा, रिटर्न का मतलब है ये फंक्शन खत्म यहाँ पे, दैट्स इट, सही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसको अपने कोड को इस तरह करके थोड़ा क्लीन लिख सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं चाहूँगा, ठीक हो गया, पहले ही सही, पहले सुन, ठीक है। जो ये एक इफ लगा दिया मैंने, अच्छा इसको मैंने क्या लगाया, ये मेरी है वैलिडेशन, एक वैलिडेशन मेरी फ्रंट एंड पे होती है, एक वैलिडेशन मेरी यहाँ पे होगी, वैलिडेशन दोनों जगहों पे करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर पे फ्रंट एंड पे सिर्फ वैलिडेशन लगाते हैं और आप यहाँ नहीं लगाते, तो क्या होगा उससे, तो मेरे जैसा कोई होगा वो इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर रिक्वायर्ड हटा देगा और कुछ भी लिखेगा भेजेगा, सर्वर पे पहुँच जाएगा और सर्वर से डेटा बेस में पहुँच जाएगा, तो ये तो मसला है, ठीक है। आप फिर सोचेंगे यार चलो मेन अगर सर्वर है तो मैं सिर्फ सर्वर पे लगाता हूँ, मैं फ्रंट एंड पे क्यों लगाऊंगा वैलिडेशन, उससे क्या होगा वो भी सुन लो, फॉर्म फिल कर रहा होगा बंदा, उसको किसी किस्म का कोई वैलिडेशन कोई एरर नहीं आएगा, जब इतना लंबा चौड़ा फॉर्म फिल करके सबमिट करेगा तो सर्वर पे पहुंचेगा तो सर्वर एरर दे देगा सामने से। तो बेहतर ये हो कि वो लिखता भी जाए साथ साथ एरर भी आते जाए कि अच्छा यार ये ईमेल का बॉक्स था आपने .com मिस कर दिया है, या पासवर्ड जो था वो मिनिमम 6 कैरेक्टर का था आपने 5 लिखा है, वो उसी वक्त पता चलता जाए ताकि जब सबमिट का बटन दबाए तो वो स्मूथली आगे निकले। तो अगर आप फ्रंट एंड पे वैलिडेशन नहीं लगाते हैं सिर्फ सर्वर में लगाते हैं तो उससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा, ठीक है। तो आपने दोनों जगह लगानी है वैलिडेशन, अगर एक छोड़ेंगे तो सिक्योरिटी रिस्क है, दूसरा छोड़ेंगे तो यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, तो दोनों जगह पे लगाना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। एक हमारा फेलो डेवलपर था वो इस बात पर मुझसे बहुत बहुत लड़ाई करता था, एक महीने तक हम इस बात पे लड़ते रहे। वो कह रहा था यार कि सर्वर पे मिसाल के तौर पे वो कह रहा है कि यार जब ये फॉर्म से आ रहा है ना कि नेम प्राइस और डिस्क्रिप्शन, जब ये फॉर्म से डेटा आ रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गलत डेटा आ जाए, जब मैंने फॉर्म पे रिक्वायर्ड लगा दिया है फ्रंट एंड पे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गलत डेटा आ जाए। तो मैं उसको समझा के थक गया कि भाई सिक्योरिटी रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क है, वेब एप्लीकेशन पे तो फॉर्म लगा है लेकिन वैसे कोई URL निकाल के अलग से पोस्टमैन से हिट कर दे, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी रिस्क है कि आपने वैलिडेशन ना लगाई हुई हो यहाँ पे। एक बार यूजर क्रिएट मतलब साइन अप का अगर फंक्शन है उस पर मैंने दोनों जगह वैलिडेशन नहीं लगाई हुई तो यूजर मेरा साइन अप हो गया बगैर नाम के, इमेजिन कर सकते हो बाद में कितना बड़ा इशू हो सकता है ये, ठीक है। तो बगैर नाम के यूजर साइन अप हो गया, सारी उसको चीज़ें मिल गई, तो इसलिए वैलिडेशन हमेशा दो जगह पर मिलेगी और दोनों जगह पर आपको लगाना ज़रूरी। अच्छा तो ये मैंने वैलिडेशन कर ली, अब मुझे पता है कि अगर इस चेक को क्रॉस कर लिया है मेरे कोड ने तो इसका मतलब है मेरे पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं जब ही क्रॉस हुआ है। अब अगले पॉइंट पे मुझे क्या करना है, मैंने यही वाला काम क्या करना है, ये जो डेटा मेरे पास है इसको मैंने इस वेरिएबल में डालना है जो कि एक एरे है मेरे पास, इस एरे में डालना है। कैसे डालूँगा बताओ, मैंने कहा कि भाई प्रोडक्ट्स डॉट पुश और पुश में क्या लगाऊँ, पुश के अंदर अब क्या पुश करूँ मैं, हाँ एक ऑब्जेक्ट बना दूँ, एग्जैक्टली सही है।
एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं इसके अंदर, और इस ऑब्जेक्ट में मैं ये तीनों का तीनों डेटा पुश कर देता हूँ एज इट इज। ठीक हो गया। सही हो गया भाई। प्रोडक्ट डॉट पुश, और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट पुश करवा दिया। सही है, समझ आ रहा है कैसे हो रहा है ये? अब मैं जितनी दफा ये एपीआई कॉल करेगा बंदा सामने से, उतने प्रोडक्ट किसमें ऐड होता चला जाएगा, इस वेरिएबल में ऐड होता चला जाएगा। तो दिस वेरिएबल इज एरे ऑफ प्रोडक्ट्स, या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते, ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट। ऑब्जेक्ट तो उसको ऐसे जेनेरिक वर्ड में कहते हैं, लेकिन हमें अभी पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक प्रोडक्ट है। तो ये एरे ऑफ प्रोडक्ट मेरे पास तैयार होता चला जाएगा। और अगला काम मैंने अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऐड हो गई है मेरी, अब एक सक्सेसफुल रिस्पांस भेजना है मैंने। ठीक है, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, दैट्स इट। मुश्किल तो नहीं था कुछ? सही है। सम टाइम हम इसमें ये करते हैं कि इस मैसेज के साथ साथ हम एक अदद वही प्रोडक्ट भी भेज देते हैं जो अभी अभी ऐड हुई है। सही है, सम टाइम ऐसा करते हैं। अच्छा, अभी प्रोडक्ट ऐड होने वाली एपीआई तो मेरी तैयार हो गई, चला के नहीं देखा हमने अभी, लेकिन ये तैयार हो गई, इसमें और कुछ बचा नहीं है। ठीक है, रेस्ट एपीआई के प्रिंसिपल अभी बाकी हैं हमारे, वो अभी मैं अभी बीच में हम कवर करेंगे उसको। ये एपीआई जो बनी हुई है इस वक्त, ये रेस्ट एपीआई के 5 प्रिंसिपल्स पर पूरा नहीं उतरती है इस वक्त। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है, और मैं इसलिए पहले कोड लिख दे रहा हूँ ताकि जब मैं वो इसमें इंप्लीमेंट करूँगा ना 5 प्रिंसिपल, तो आपको बाकायदा एक फ़र्क नज़र आएगा कि वो प्रिंसिपल फॉलो करने से क्या फ़र्क आया कोड में मेरे, और क्या मुझे फैसिलिटीज़ मिली उससे। अच्छा, तो ये एड प्रोडक्ट मेरा कम्प्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें अगला काम मैंने क्या करना है, ऐप डॉट क्या करना है बताओ, ऐप डॉट गेट, करेक्ट। और स्लैश products. अच्छा, इसमें एस लगना चाहिए या नहीं? एस लगना चाहिए तो क्यों लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए तो क्यों नहीं लगना चाहिए, ये असल सवाल है ना। मतलब हाँ लगना चाहिए, ये जवाब थोड़ी है। नहीं, वो तो प्रोडक्ट 10 12 15 जितने ऐड होने थे वो हो गए, ये एपीआई कॉल हो गई। अब ये गेट की एपीआई बंदा कॉल कर रहा है, अब गेट की एपीआई कॉल कर रहा है बंदा, इसमें एस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत सारे प्रोडक्ट गेट हो रहे हैं इसलिए एस होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एस बिल्कुल सही बताया उन्होंने। ठीक है, अगर आपका की जो रिक्वेस्ट है उससे जो डेटा सामने से आ रहा है रिस्पांस में, अगर उसमें एक आइटम है तो वो उसमें एस नहीं लगेगा, अगर मल्टीपल आइटम्स हैं या तमाम आइटम्स हैं तो एस लगेगा फिर उसके अंदर। ठीक है, ये रेस्ट एपीआई के प्रिंसिपल में अभी आपके सामने आ जाएगा कि क्या चक्कर है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई बंदा कह रहा है गेट प्रोडक्ट्स, तो गेट प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने बोला कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अब इसमें मेरे को चेक तो नहीं करना ना, गेट प्रोडक्ट्स में क्या चेक करूँ, अभी मेरे पास ऑथेंटिकेशन वगैरह तो है नहीं कि मैं चेक करूँ बंदा लॉगिन है या नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं सीधा सीधा तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स उसको उठा के भेज दूंगा, दैट्स इट, खत्म हमारा। सही है, और कुछ? अब जरूरी नहीं है कि हमेशा मुझे तमाम प्रोडक्ट्स चाहिए हो। सिंगल प्रोडक्ट गेट करने के लिए जो मैं एपीआई बनाऊंगा वो क्या होगी, ऐप डॉट गेट प्रोडक्ट, लेकिन बिना एस वाला, और इसके साथ स्लैश। अब जाहिर है सिंगल प्रोडक्ट है तो उसकी आईडी भी तो पता होनी चाहिए ना, कॉमा आईडी। सही है, अभी मेरे केस में इंडेक्स, जीरो इंडेक्स पे कौन सी पड़ी हुई है, वन इंडेक्स पे कौन सी पड़ी हुई है, या तो मैं प्रोडक्ट को ऐड करते हुए क्या दूंगा उसकी, उसको एक यूनिक आईडी दूंगा, दे सकता हूँ मैं, बिल्कुल दे सकता हूँ। मैंने कहा यार आईडी,
और मैंने कहा कि यार डेट इस वक्त जो है ना मिली सेकंड में, वो मैंने उसको आईडी दे दी, यूनिक होगा हमेशा वो जब भी मैं गेट करूँगा। मैंने कहा न्यू डेट डॉट गेट टाइम या गेट डेट, क्या होता है मिली सेकंड इसी से गेट होता है, गेट टाइम से सही है, डेट डॉट नाउ से भी हो जाता है वैसे, ठीक है दोनों सही तरीका है। तो ये मैंने इसको आईडी दे दी, तो मैंने कहा भाई जान आप ना फिर मुझे क्या दोगे, अब गेट करते हुए आप मुझे ये वाली आईडी दोगे, सही है, जब ही हम आपको प्रोडक्ट देंगे। अब मैंने काम क्या करना है अगला, मुझे आईडी मिली है यहाँ पर, तो मैंने ये करना है, मैंने कहा कि const id equals to request dot params dot id, ठीक है ये आईडी मैंने अलग कर ली, इसमें से अलहदा कर ली। अब मैं ये करूँगा कि मेरे उस एरे के अंदर क्या इस आईडी का प्रोडक्ट मौजूद है, कैसे पता चलेगा ये, मैप भी चला सकते हैं फॉर लूप भी चला सकते हैं, ठीक है क्योंकि मैं फाइंड कर रहा हूँ, फाइंड करने में मेरे पास अगर 10,000 प्रोडक्ट्स हैं तो मुझे शायद चौथे नंबर में मिल जाए, तो मुझे 10,000 दफ़ा घुमाने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। मैप ऑन अदर एंड आखिर तक ही जाता है, मैप को आप दरमियान में रोक नहीं सकते, तो यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट फॉर लूप है। एरे डॉट फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फिल्टर भी आखिर तक जाता है, फिल्टर भी जाएगा आखिर तक ही, तो यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है फॉर लूप, ठीक है। वैसे आप चाहें तो मैप यूज़ कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, लेकिन अप्रोप्रिएशन की बात जहाँ तक है वो फॉर लूप है। मेरे यहाँ मैंने कहा लेट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, सही है, आई जब तक छोटा रहे किससे, प्रोडक्ट डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, दैट्स इट, इतना आसान है, सही है। अब मैंने क्या करना है, इफ If products का index i dot id right equals हो जाएगा id के, तो इसका मतलब है वो product मैं मिल गई, मुझे मिल गई ना मुझे, तो मैं बोलूँगा कि response dot send, ठीक है वो वाली पूरी product भेज दूँगा ना उठा के, सही है ये वाली पूरी प्रोडक्ट मैंने उठा के भेजी, ठीक है। एल्स एल्स बताओ, अच्छा ये जब भेज दी रिस्पॉन्स तो इसको मैं ब्रेक भी कर दूंगा और रिटर्न भी कर दूंगा, सही है। ब्रेक से फॉर लूप रुक जाएगा मेरा, अच्छा ये रिटर्न और ब्रेक एक साथ तो लगेगा नहीं, ये ब्रेक यहाँ पे आगे रीड नहीं करेगा ये, चलो फिलहाल सिर्फ ब्रेक करते हैं, अभी आगे रिटर्न देखते हैं किस पॉइंट पे करवाना है हमें। वेल अब ये बताओ एल्स में क्या करेंगे हम, अच्छा एल्स में मिसाल के तौर पे मैंने आपके कहने के मुताबिक लिख दिया कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है प्रोडक्ट नॉट फाउंड, और साथ में स्टेटस लगा दिया। अच्छा ये बाई द वे दो लाइन में भी कर सकता हूँ मैं, ये ज़रूरी नहीं है मैं एक लाइन में करूँ दोनों काम, ठीक है। रिस्पॉन्स नॉट स्टेटस 400 404, और रिस्पॉन्स सेंड दूसरी लाइन में भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सेम लाइन में किया था, इधर कहाँ गया वो, बहरहाल कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे मैंने सेम लाइन में किया था, और यहाँ पे मैंने दो अलग अलग लाइनों में करके दिखा दिया, तो दोनों के एग्जाम्पल आ गए आपके पास। अच्छा लेकिन अब होगा ये कि फॉर लूप तो घूमेगा 10-12 दफ़ा ना, जितनी प्रोडक्ट है उतनी दफ़ा, पहली दफ़ा ये घूमा, इसने चेक किया भाई पहली प्रोडक्ट की आईडी जो थी क्या वो इस आईडी के इक्वल है, नहीं तो इफ नहीं चलेगा एल्स चलेगा, एल्स चलते ही 404 हो जाएगा, तो पहली आइटरेशन में ही 404 हो गया, रिस्पॉन्स चला गया वापस, अब तो रिस्पॉन्स गया तो ख़त्म हो गई बात, अब दोबारा तो रिस्पॉन्स भेज ही नहीं सकते आप, अब आप भले फॉर लूप घुमाते रहें, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एल्स में रिस्पॉन्स नहीं भेज सकता, मुझे रिस्पॉन्स यहाँ से बाहर आके भेजना है, जस्ट इन केस अगर 404 हो भी जाता है तो मुझे रिस्पॉन्स बाहर आके भेजना है। लेकिन जब ये लूप पूरा चल के ख़त्म हो जाएगा तो मुझे ये बात कैसे पता चलेगी कि ये लूप चलने के दौरान वो प्रोडक्ट मिल गई थी कि नहीं मिल गई थी, ये मुझे कैसे पता चलेगा, फ्लैग लगाना पड़ेगा मुझे, राइट। मैं बोलूँगा कि भाई लेट इज फाउंड, ठीक है इक्वल्स टू, शुरू में फॉल्स है क्योंकि मिला हुआ तो नहीं है ना शुरू में, तो डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स, इज फाउंड है, जैसे ही ये मिल जाएगा
ठीक है, जैसे ही ये मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई इज फाउंड जो है वो क्या कर दो, उसको ट्रू कर दो, ठीक हो गया। और अगर ये पूरा लूप चल गया और कभी भी ये ट्रू नहीं हुआ तो फॉल्स पहले था, फॉल्स बाद में भी होगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे एक इफ लगा दूँ और एक इफ लगा के मैं बोलूँ कि इज फाउंड जो है वो अगर इक्वल्स इक्वल्स है फॉल्स के, तो इसका क्या मतलब है कि वो नहीं मिला मुझे आइटम जो भी मिलना था। तो उस केस में मैं 404 ऐसे यहाँ पे लगवा दूंगा, ठीक है। और मुझे मतलब यहाँ पे मिल गया या नहीं मिला, हर सूरत में यहाँ पे क्या करना है मुझे, रिटर्न करना है। लेकिन क्या मुझे इस रिटर्न की ज़रूरत है, आगे तो कोई कोड ही नहीं लिखा हुआ मेरा, ख़त्म ही हो गया यहाँ पे। तो ये रिटर्न असूलन मुझे यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन मैं ना भी लिखूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, सही है, अगर मैं ना भी लिखूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब होगा क्या, ये लूप फ्लैग लगा, लूप घूमना था 10 दफ़ा, तो लूप घूमा, एक दफ़ा घूमा, दो दफ़ा घूमा, इफ ट्रू नहीं हो रहा, इफ ट्रू नहीं हो रहा, चौथी पांचवी दफ़ा में इफ ट्रू हो गया, ठीक है। और जैसे ही इफ ट्रू हुआ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हुआ और यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद ना दोबारा रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं चलना चाहिए, यू हैव टू मेक श्योर दैट, ठीक है। अब आया यहाँ पे, अब ये इस फाउंड ट्रू होगा, अगर इस फाउंड फॉल्स होगा तो उसी सूरत में रिस्पॉन्स जाएगा, अगर यहाँ ट्रू हो चुका होगा तो यहाँ पे फिर आगे कुछ भी नहीं होगा। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड हमारा डबल इस केस में नहीं होगा, किसी भी हाल में रिस्पॉन्स डॉट सेंड डबल नहीं होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, सिंगल प्रोडक्ट को गेट करने की API तैयार हो गई, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? अच्छा, अब मुझे चाहिए डिलीट प्रोडक्ट, बताओ क्या लिखूंगा, है डॉट गेट। ये मैं चारों रिक्वेस्ट बना के फिर हम चारों को एनालाइज करेंगे वो कितना रेस्ट API पे। डिलीट प्रोडक्ट, हाँ बताओ, प्रोडक्ट्स, अच्छा रिक्वेस्ट कौन सी होगी, रिक्वेस्ट होगी डिलीट की, ठीक है, ये तो ऑब्वियस बात है। और यहाँ पे क्या लिखूँ मैं एग्जैक्टली, प्रोडक्ट स्लैश आईडी, सही है। अच्छा डिलीट में, मैं डिलीट में भी ना मेरे पास मल्टीपल APIs बन सकती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैं एक आइटम डिलीट करूं। फिलहाल तो मेरे पास अभी फिलहाल एक ही आइटम है, मैंने कहा कॉमा आईडी ऐसे करेंगे, लेकिन मेरे पास डिलीट में भी एस वाला डिलीट बन सकता है, ठीक है। एस का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट डिलीट, तमाम तो डिलीट कभी भी नहीं खैर कोई करता, तमाम को तो डिलीट कभी भी नहीं करते आप, ठीक है, लेकिन एक तमाम को डिलीट करने वाला भी बन सकता है, एक मल्टीपल को भी डिलीट करने वाला बन सकता है। आप जैसे मेल बॉक्स में अपने जाते हैं तो आप चेक 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 लगाते हैं 10-12 ईमेल पे और डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे आपको इसको बल्क डिलीट कहते हैं। भाई तुम बैठे हुए क्यों, हाँ सीधे बिल्कुल, तो बल्क डिलीट उसको कहते हैं कि एक से ज़्यादा आइटम आप एक वक्त में डिलीट कर सकें, लेकिन उसको फिलहाल हम कवर नहीं कर रहे। उसमें एक्चुअली होगा क्या कि बॉडी के अंदर आप ना पूरा एक एरे रख के भेजते हैं कि यार ये आईडी है, उसको सबको डिलीट करो जाएंगे। तो वो फिर सिंपल जावास्क्रिप्ट की लॉजिक है कि आप उन तमाम आईडीज के अगेंस्ट डेटा निकालते हैं और उसको डिलीट करते हैं और फिर बोलते हैं कि चलो भाई हो गया डिलीट। अभी मैं लेकिन सिंपल डिलीट कर रहा हूँ कि सिंगल आइटम एक वक्त में डिलीट होगा। इसमें भी मैंने क्या करना है, मैंने कहना है लेट कॉन्स्ट, बल्कि ठीक है कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, आईडी अलग हो गई। अब मैंने क्या करना है, अगला काम एरे में से एक आइटम को डिलीट कैसे करूं मैं। अच्छा फाइंड तो मुझे करना ही है, तो फाइंड की लॉजिक मैं ऊपर से कॉपी करके ले आता हूं, ठीक है। फाइंड की जो लॉजिक है इज फाउंड ट्रू फॉल्स, तो ये लूप चलेगा पूरे पे। मैं बोलूंगा प्रोडक्ट की जो आईडी है, पहले इंडेक्स जीरो में जब पहली दफा चलेगा लूप तो आई में जीरो होता है, तो मैं बोलूंगा कि प्रोडक्ट्स का इंडेक्स जीरो पे जो आईडी है क्या वो इक्वल है इस वाले आईडी के जो बंदे ने भेजा है अभी डिलीट करने के लिए। अगर हाँ तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पे मैंने क्या करना है, उसको डिलीट करना है। अब एरे के दरमियान से एक आइटम डिलीट कैसे होता है कौन बताएगा, प्रोडक्ट्स डॉट
स्प्लाइस, और क्या लिखूँ इसमें मैं, इंडेक्स और अच्छा अगर मैं ऐसे कर दूँ तो क्या ही चलेगा? आर यू श्योर? कितने लोगों का ख्याल है कि ये चल जाएगा? और कितने लोगों का ख्याल है कि ये नहीं चलेगा? अभी यूज नहीं किया, सही है? तो मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे यूज होता है, जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता था तो इसको देख लेते हैं कि ये कैसे चलता है, ठीक है? मुझे आई एम नॉट श्योर कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, इसीलिए मैं अलग से चला कर देख रहा हूँ। मैंने कहा लेट ए इक्वल्स टू दैट, सही है? अब मैं ए लिखता हूँ तो ये मुझे एरे मिलता है, और मैंने कहा कि डिलीट ए का इंडेक्स जीरो, ठीक है? ए का इंडेक्स जीरो पर टू पड़ा हुआ है, अगर ये डिलीट सही काम करता है तो क्या होगा, ए में से पहला इंडेक्स गायब हो जाना चाहिए, तो ये एम्प्टी हो गया। क्या हमें ये काम करना था? हमें ये काम नहीं करना था, ठीक है? डिलीट तो हो गया लेकिन एम्प्टी हो गया वो, तो हमने क्या करना है, हमने ए डॉट स्प्लाइस करना है, और इसमें हम क्या देते हैं, स्टार्ट कहाँ से हो? मैंने कहा स्टार्ट हो, मिसाल के तौर पे पहले हम ए को प्रिंट करवा देते हैं, हम दरमियान से एक आइटम डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है? मैंने कहा स्टार्ट करो आप 0 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट करो, ठीक है? इंडेक्स नंबर 6 पे इस वक्त 12 पड़ा हुआ है, ए डॉट स्प्लाइस इंडेक्स नंबर 6, और डिलीट कितने करने हैं? मैंने कहा एक डिलीट करना है, ठीक है? अब मैं दोबारा ए को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ से 12 जो है ना सिर्फ डिलीट हो गया बल्कि उसकी जगह भी ख़त्म हो गई है, ठीक है? एरे का साइज भी मेरा डिक्रीज हुआ है उसके डिलीट होने के बाद। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे पहले वाले में इंडेक्स लिखना है और दूसरे वाले में कितने डिलीट करना है वो लिखना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, प्रोडक्ट्स डॉट स्प्लाइस पहले तो, सही है, और आई कॉमा वन, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं क्या बोलूँगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुल, ठीक है? अच्छा, वंस मैंने अगर डिलीट कर दिया है और डिलीट का सक्सेसफुल रिस्पॉन्स भेज दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसको ब्रेक कर देना है यहाँ पे इस फॉर लूप को, इसके आगे नहीं चलाना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये फॉर लूप पूरा घूमे और वो प्रोडक्ट पूरे फॉर लूप में मिले ही ना मुझे, तो इस वजह से मैंने फ्लैग इसमें भी लगाया हुआ है। अगर मैं नीचे देखता हूँ कि फ्लैग अभी भी फॉल्स है तो मैं क्या बोलूंगा कि 404 प्रोडक्ट नॉट फाउंड, कि जो डिलीट करना चाह रहे थे आप वो प्रोडक्ट मिला ही नहीं है, ठीक है? और इसके साथ में डिलीट फेल लगा दूंगा, डिलीट फेल प्रोडक्ट नॉट फाउंड, तो ये डिलीट की एपीआई बन गई। अब मैंने मॉडिफाई करना है, यही होता है ना, चार ऑपरेशन होते हैं। मॉडिफाई करने के लिए क्या लगाऊंगा मैं, एप डॉट, एप डॉट पुट, और एप डॉट पुट के साथ मैं एड्रेस क्या लिखूंगा इसका, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश आईडी ऑब्वियसली, क्योंकि कोई एक प्रोडक्ट है ना जिसको आप मॉडिफाई करने लगे हैं तो उसकी आईडी भी बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है? और साथ में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर वो आप आइटम्स भी देंगे जो आपने मॉडिफाई करवाना। अच्छा, मॉडिफाई करवाने के ना दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप तमाम के तमाम पैरामीटर्स जो हैं, जो तुम्हारे पास तीन पैरामीटर थे ना ऐड करवाते थे, ठीक है, कि भाई बॉडी प्राइस और डिस्क्रिप्शन, आप तीनों भेजो और तीनों हम पुराना हटा के नया रखवाएंगे। एक तो ये अप्रोच होती है। एक ये होता है कि आप दो तीन जितने पैरामीटर भेजना चाहते हो भेज दो, तो जितने पैरामीटर आप भेजोगे वही अपडेट होंगे, बाकी अपडेट नहीं होंगे, ठीक है? तो ये दो अप्रोचेस होती हैं। पहली वाली अप्रोच सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि वो कैसे है, उसी तरह वैलिडेशन लगेगी इसके अंदर। तो मैंने कहा भाई बॉडी इस तरह पकड़ो और ये ऐसे वैलिडेशन लगाओ, और यही एक्चुअली यही काम हो रहा होगा पूरा पूरा। तो अभी हम ये सिंपल सी अप्रोच करते हैं। मैंने कहा भाई बॉडी पकड़ो, एक तो बॉडी में तीनों चीजें चेक करो, अगर तीनों में से कोई भी एक मिसिंग है बोलो भाई रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, खत्म। उसके बाद तीनों को कंसोल कराओ, उसके बाद अब पुश नहीं करना मुझे, अब मुझे तलाश करके वहां बीच में डालना है। अब मुझे क्या करना है,
तलाश करके बीच में डालना है इस प्रोडक्ट को, ऐसा ही है ना। अब बताओ ये कैसे होगा, पुश तो नहीं होगा, ये आईडी वही रहेगी, तीन आइटम जो है वो चेंज हो जाएंगे उसके। अब मुझे फॉर लूप चलाना होगा प्रोडक्ट को फाइंड करने वाला जो है, राइट, है ना, ये ना इस फाउंड फ्लैग के साथ लगेगा ये। मैंने कहा भाई इस जगह पे लगेगा ये फॉर लूप, फॉर लूप चला, जितनी प्रोडक्ट की लेंथ है उतनी दफा चला, प्रोडक्ट डॉट आई डी अगर इससे मैच हो जाए, ये मैंने पैराम्स अलग नहीं किए ना इसके, पैराम्स भी अलग कर लेता हूँ, आई डी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट आई डी, सही है, पैरामीटर में मुझे आई डी मिली है प्रोडक्ट की जिसको मॉडिफाई करना है, और बॉडी के अंदर मुझे वो डेटा मिला है जो डेटा मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई अगर प्रोडक्ट की जो आईडी है वो इक्वल्स हो जाए पैरामीटर में जो अभी आईडी मिली है, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि उस आइटम को, यानी कि प्रोडक्ट का जो इंडेक्स जीरो है, जो इंडेक्स आई है, जो अभी जो भी पहली आइट्रेशन है दूसरी है, अब इस प्रोडक्ट आई को क्या करना है, आपने आईडी वही रहे जो पहले थी, लेकिन जो तीन उसमें आइटम्स हैं वो तीनों ये वाले हो जाएं जो अभी बंदे ने भेजा है। कैसे होगा ये काम, हाँ बताओ कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। डॉट क्या लगाओ, डॉट क्या बोलो ना, डॉट आगे क्या लगाओ, ये तीन पैरामीटर है ना जो मुझे मॉडिफाई करना है, डॉट नेम करना है, और अभी इस हो गया इतना बस, खत्म, बॉडी डॉट, हाँ ना, इसको इक्वल्स टू करके मैं बॉडी डॉट नेम कर दूंगा, दैट्स इट, कितना सिंपल है। और इसी को मैं तीन से डिवाइड मार दूंगा, मैंने कहा भाई प्राइस, और मैं कहूँगा कि यार डिस्क्रिप्शन, तो ये हो तो गया, सिंपल है ना। आईडी को मैंने चेंज नहीं किया, आईडी चेंज नहीं होगी, खत्म बात। प्रोडक्ट मॉडिफाइड सक्सेसफुली, ठीक हो गया, रिस्पांस भेज दिया मैंने, प्रोडक्ट मॉडिफाइड सक्सेसफुली। अब नीचे आके मैं चेक करूंगा भाई, वो तो जब मिलेगी प्रोडक्ट तो मॉडिफाई होगी ना, हो सकता है मिले ही ना, तो मैं नीचे कह रहा हूँ कि इस फाउंड अगर अभी भी फॉल्स है, अभी तक प्रोडक्ट ही नहीं मिली, तो आप बोलोगे भाई 404, ठीक है, एडेड प्रोडक्ट फेल, एडेड प्रोडक्ट फेल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मैंने असल में सिंपल रखने के लिए किया था, बिल्कुल सही कह रहे हो कि इसके अंदर अगर मैं नॉट भी लगाऊं तो सेम चीज़ है, ठीक है। और प्रोफेशनली आपको नॉट ज़्यादा देखने को मिलता है, इक्वल इक्वल फॉल्स कोई भी नहीं लगाता, ठीक है। और ये इसका रीज़न भी है ये नॉट का, कि इससे कोड आपका क्लीन रहता है थोड़ा, ठीक है भाई। तो ये पुट का हमारा जो है ये भी API क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ये चार API मैंने बना के कंप्लीट कर ली है। अब मैंने काम अगला ये करना है, मैंने चेक करना है कि ये जो चार APIs मैंने बनाई हैं, क्या वो चारों API REST API के जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे पूरा उतरती है या नहीं उतरती है, ठीक है। तो आ जाओ लिखते हैं यहाँ पे गूगल पे, प्रिंसिपल्स ऑफ REST API, ठीक है। RESTful API .net करके कोई वेबसाइट है, इन्होंने ये बताया है। अच्छा सबसे पहला जो पॉइंट है ना REST API का, जो प्रिंसिपल है जो सबसे पहला, वो है यूनिफॉर्म इंटरफेस। इंटरफेस क्या चीज़ है कौन बताएगा, इंटरफेस क्या चीज़ है, API में इंटरफेस क्या चीज़ है, API का जो आई है वो इंटरफेस है ना। इंटरफेस क्या होता है, जो चीज़ एक्सपोज हुई भी होती है, जैसे AC में जो बटन लगे हुए ऊपर, वो क्या है, उसका इंटरफेस है वो, ठीक है।
तो यूनिफॉर्म इंटरफेस होना चाहिए, ये कह रहे हैं। अब यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब क्या है, आ जाते हैं देख लेते हैं यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब ये है कि ये जो ऐड प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, ये ऐड प्रोडक्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, ये सिर्फ प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये सिर्फ प्रोडक्ट होगा। और ये चारों एपीआई इवन दो प्रोडक्ट ही नाम होगा इसका, ऐड प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट आ रही है और उसकी पोस्ट है, अगर टाइप रिक्वेस्ट की जो मेथड है पोस्ट है, और इसका मतलब है कि प्रोडक्ट पोस्ट हो रहा है, और यही प्रोडक्ट अगर है और इसमें गेट लगा हुआ है, इसका मतलब है प्रोडक्ट गेट हो रहा है, ठीक है, और इसमें जो एस लगा हुआ है इसका मतलब है एक से ज्यादा प्रोडक्ट। तो ये यूनिफॉर्म इंटरफेस के अंदर ये काउंट हो रही है सारी चीजें, ठीक है। इसी तरह अगर गेट प्रोडक्ट है और साथ में आईडी है उसके, तो इसका मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट गेट होगी। इस एपीआई को देख के बंदा समझ जाएगा कि ये सिंगल चीज मुझे रिटर्न करने लगा, ठीक है। इस एपीआई को देख के समझ जाएगा कि ये मुझे एरे रिटर्न करने वाला है, एरे ही होता है ना, मल्टीपल आइटम एरे में रिटर्न होते हैं। इसी तरह ऐप डॉट डिलीट है, मेथड डिलीट का है, और प्रोडक्ट है स्लैश प्रोडक्ट। तो मुझे यहाँ पे डिलीट प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिखूंगा और स्लैश आईडी है, इसका मतलब है कि एक प्रोडक्ट डिलीट हो सकती है। उसके बाद पुट है, और पुट के अंदर प्रोडक्ट स्लैश आईडी, इसका मतलब है पुट का मतलब एडिट हो रहा है, स्लैश प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट एडिट हो रहा है, और ये है उसकी आईडी जो प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट एडिट होगा इससे, ठीक है। अब मैं पुट का भी मल्टीपल एपीआई बना सकता हूँ एस के साथ, कि भाई एक से ज्यादा वो एट द सेम टाइम मॉडिफाई कर दे, ठीक है, ये तो कोई लिमिट नहीं है, आप जहां तक सोच सकते हैं वहां तक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेम जो है ना इसका, ये आपकी मर्जी का नहीं होता, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड का रखना पड़ता है, ठीक है। बेहतर ये है कि आप स्टैंडर्ड रखें, और कोशिश करें कि इसके अंदर कैमल केस कभी भी ना आए, URL के अंदर कैमल केस कोशिश करें आप कभी भी ना आए, ठीक है। आप क्या करते हैं उसको वन वर्ड लिखते हैं, या तो डैशेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कैमल केस कोशिश करें कि आप इसमें ना यूज करें। तो ये यूनिफॉर्म इंटरफेस है, इसको आप मजीद भी आगे पढ़ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई क्लाइंट और सर्वर ना दोनों अलग अलग होंगे, क्लाइंट और सर्वर एक साथ नहीं होंगे। एक साथ होने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, आपके सर्वर पर रिक्वेस्ट आई ना स्लैश प्रोडक्ट और गेट की रिक्वेस्ट है, तो डेटाबेस से प्रोडक्ट उठाया, अभी हमारे केस में डेटाबेस नहीं, हमारे केस में वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल से डेटा ढूंढ के निकाला वो प्रोडक्ट जो मंगवा रहा था बंदा, और उसको पकड़ के ना एक HTML का पेज तैयार किया और वो HTML का पेज भेजा। इसमें ये होता था कि सर्वर और क्लाइंट टाइटली कपल्ड होते थे, आपको सर्वर में कोई छोटी सी चेंज करनी है वो क्लाइंट छिड़ सकता है उससे, ठीक है। इस केस में हमारे पास REST API में ये रेकमेंड करते हैं कि क्लाइंट और सर्वर दोनों अलग अलग हों, सर्वर में सिर्फ APIs हों, सर्वर में क्या हो सिर्फ APIs हों, और फ्रंट एंड बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, इवन दो कि किसी और जगह डिप्लॉय भी हो सके, सेम सर्वर पर डिप्लॉय कर रहे हैं दैट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन इतना इंडिपेंडेंट हो कि फायरबेस पर डिप्लॉय कर दूं उसको मैं, HTML का जो पेज है मेरा या रिएक्ट की जो वेब एप्लीकेशन है उसको मैं किसी और होस्टिंग सर्विस पर डिप्लॉय कर दूं और सर्वर को किसी और जगह डिप्लॉय कर दूं, तो भी आपस में वो कम्युनिकेट करके बिल्कुल सही काम करे, ठीक है। यही वजह है कि हमने पहली क्लास में जो सीखा था उसमें रिएक्ट की ऐप को हमने सेम सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया था, अब की बार हम रिएक्ट की ऐप को अलग डिप्लॉय करेंगे और सर्वर को अलग डिप्लॉय करेंगे, और दोनों बिल्कुल सही चलेगा आप देखेंगे उसमें, ठीक है। जैसा कि जब आप वेदर की API कॉल करते थे तो फ्रंट एंड तो आपका होता था लेकिन सर्वर किसका होता था, किसी और का, किसी और जगह डिप्लॉय हुआ है, आपको नहीं पता किधर है वो, लेकिन वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। क्यों, ये क्लाइंट सर्वर की जो ये पॉलिसी है ना, ये कहते हैं भाई क्लाइंट सर्वर अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। इसका मकसद क्या है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, सर्वर जो बंदा लिख रहा है या सर्वर का जो कोड है उसका कंसर्न अलग है, फ्रंट एंड के बंदे का कंसर्न अलग है। फ्रंट एंड वाले बंदे का क्या कंसर्न है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो, फास्ट हो, मोबाइल और टैबलेट और डिफरेंट डिवाइसेस पर रिस्पॉन्सिव हो, कलर उसके अच्छे हो, जो भी डिजाइन अच्छा हो उसका, उसके अलावा जो फ्रंट एंड के जो रूल रेगुलेशंस है वो फॉलो करेगा वो, ठीक है। शायद प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन है तो नोटिफिकेशन वगैरह भी उसमें आ रही होगी, तो ये सारे कंसर्न अलग हैं, सिक्योरिटी और ये चीजें लेके फ्रंट एंड वाले का कंसर्न नहीं है ये,
ठीक है, बैकएंड जो लिख रहा है बंदा, जो डेटाबेस वगैरह से डील कर रहा है, उसका कंसर्न क्या है? सबसे पहला ये कि फास्ट हो, लेकिन फास्ट दूसरे तरह का फास्ट है कि जल्दी से डेटाबेस में डेटा जाए और जल्दी से निकले। तो ये फास्ट कैसे होगा? डेटाबेस का डिजाइन अच्छा हो, ठीक है। अगर MongoDB यूज कर रहा है तो उसमें डी नॉर्मलाइजेशन अच्छे से हुई भी हो, अगर SQL कर रहा है तो नॉर्मलाइजेशन हुई भी हो, अपोजिट है दोनों एक दूसरे को। अब इसी तरीके से वैलिडेशन प्रॉपर लगी हुई हो, कोई गलत डेटा डेटाबेस में एंटर ना हो जाए, कोई आपके सर्वर को हैक ना कर ले, सिक्योरिटी के रिस्क सारे वो देख रहा होगा बंदा, सर्वर पे ज्यादा लोड आ जाए तो सर्वर कैसे अपने आप को स्केल करें, देख रहे हो, बिल्कुल अलग कंसर्न है। फ्रंट एंड वाले को कभी भी ये कंसर्न नहीं होगा कि अगर ज्यादा लोग आ जाए तो क्या होगा, सर्वर वाले का कंसर्न है लेकिन ये, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न विच हेल्प्स क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट्स इवॉल्व इंडिपेंडेंटली। तो क्लाइंट अलग इवॉल्व कर रहा है भाई, फेसबुक का जब दिल में आता है कलर चेंज कर देता है, सर्वर को थोड़ी चेंज करना है उसको, फ्रंट एंड में जाएगा कलर चेंज कर देगा हो जाएगा, जब दिल करता है बटन का शेप चेंज कर देता है, शेडो डाल देता है, सर्वर पर थोड़ी कोई चेंज हो रहा था, फ्रंट एंड अलग है वो, नो प्रॉब्लम। रिएक्ट की ऐप को आप अपडेट करते रहे, API कॉल को नहीं छेड़े आप। तो बाई सेपरेटिंग द यूजर इंटरफेस कंसर्न फ्रॉम द डेटा स्टोरेज कंसर्न, वी इम्प्रूव द पोर्टेबिलिटी ऑफ द यूजर इंटरफेस अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये कह रहे हैं कि यार आपका जो है ना यूजर इंटरफेस का कंसर्न होता है क्लाइंट वाले का, UI अच्छी बनाना, और डेटा स्टोरेज वगैरह का कंसर्न होता है सर्वर वाले का, हम दोनों को अलग अलग रखना चाहते हैं, उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, स्केलेबल हो जाता है, सिंपल हो जाता है। अच्छा, और क्लाइंट सर्वर में एक चीज और भी काउंट होती है कि जब क्लाइंट और सर्वर अलग अलग है, पहले क्या होता था कि सर्वर पर रिक्वेस्ट आई, डेटाबेस से डेटा निकाला, प्रोडक्ट का HTML का पेज वहीं पे बनाया भाई, मैं टेक्स्ट के जरिए HTML के ऊपर के नीचे के टैग लगा दूं और बीच में वो वैल्यू डाल दूं तो HTML बन जाएगा, वो भेज दूं, भेज सकता हूं भाई, ठीक है। सर एक्सप्रेस के सर्वर पे भी मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि मैं REST API के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा हूं। तो इसका अब ये आपस में ये बात कैसे करेंगे क्लाइंट और सर्वर, ये भी तो सवाल है ना, बात कैसे करेंगे। तो क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट निकलेगी और सर्वर में जाएगी वो जेसन में होगी, और सर्वर भी सामने से जो रिस्पॉन्स करेगा वो क्या होगा, जेसन डेटा होगा। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों जेसन में हो तो बेहतर है, सही है, बजाय इसके कि सिंपल टेक्स्ट हो जेसन हो, बजाय इसके कि XML हो या कोई और चीज हो जेसन हो। तो हम जरा आगे देखते हैं कि क्या हमारी जो तमाम APIs हमने लिखी है इसमें रिस्पॉन्स जेसन में जाता है, नहीं टेक्स्ट में जा रहा है। तो इसमें मैंने क्या करना है, इसको जेसन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। और ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, REST API के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए कर रहा हूँ। और अब जेसन के अंदर जाहिर है सीधा टेक्स्ट तो नहीं लिख सकते, तो मुझे की बनानी पड़ेगी, की में क्या लिख देता हूँ मैं, मैसेज, सही है। हर दफा जब भी मेरे पास रिक्वेस्ट आती है सर्वर पे, तो मेरे पास से जेसन जाता है जिसके अंदर एक मैसेज होगा और एक डेटा होगा, ठीक है, एक डेटा होगा, ठीक है। डेटा मेरे केस में भी नल है, ठीक है, नल है मतलब ना भी लिखूं तो सही है, एक ही बात है। तो मैं मैसेज करके लिखूंगा, अब ये बात मैं ऐसे नहीं लिखूंगा सीधा सीधा टेक्स्ट, ठीक हो गया। तो मैं अब ये तमाम जगहों पर डिप्लॉय कर देता हूँ, चलते हैं और कहाँ जा रहा है रिस्पॉन्स, ये देखो रिस्पॉन्स यहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं इसको जेसन बना दूंगा, सही है। मैसेज, मैसेज क्या, अच्छा मैसेज वो चीज़ है, अब क्लाइंट को पता है कि हर दफ़ा एक मैसेज ऐसा आता है जो मैं यूजर को दिखा सकता हूँ, ठीक है, तो वो हो गया। अच्छा, उसके अलावा मैं यहाँ पे एक कोड भी भेज सकता हूँ, अगर मेरा एप्लीकेशन स्पेसिफिक कोई कोड है तो मैं वो भी यहाँ भेज सकता हूँ। एप्लीकेशन स्पेसिफिक कोड क्या होता है, एक तो HTTP कोड है ना ये वाला, एक तो HTTP कोड है, इसके अलावा क्या होता है, अच्छा HTTP कोड में भी ये काम कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर प्रोडक्ट ऐड हो रही है और ऐड होते हुए कोई खास किस्म का एरर आता है तो उसको एक कोड असाइन कर देते हैं, ठीक है, और उस कोड में फ्रंट एंड पे पहले से मैसेजेस की एक लिस्ट होती है, हर कोड के अगेंस्ट एक मैसेज, हर कोड के अगेंस्ट एक मैसेज। तो या तो आप मैसेज पूरा यहाँ से भिजवा दें या तो यहाँ से कोड भिजवा दें और फ्रंट एंड पे वो सारे मैसेजेस लिखे, और या तो आप दोनों भी कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। फिलहाल मैं सिर्फ मैसेज इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी मैसेज कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा,
ये तो मैं सीधी सीधी प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, यहाँ पे भी ये होगा एक मैसेज होगा कॉमा डेटा होगा, ये जेसन होगा। मैसेज के अंदर मैं क्या लिखूंगा, ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैसेज किया मेरा ये ऑल प्रोडक्ट्स, कुछ भी लिख सकते हैं बाय द वे जो यूजर को दिखा सकूं मैं, ठीक है, या गेट ऑल प्रोडक्ट्स सक्सेस, ठीक है, या गॉट लिखेंगे, गॉट इज अ बेटर वर्ड आई थिंक, कि मिल गया, गॉट ऑल प्रोडक्ट सक्सेसफुली और ये डेटा के अंदर तमाम प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इस वाले गेट में मैं कहाँ पे भेजता हूँ रिस्पॉन्स, अब देखो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स में क्या भेजता हूँ, डायरेक्ट एक जेसन भेज रहा हूँ, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट जेसन अगर मैं ऐसे करके भेजूँ तो बेटर है, ठीक है। ये क्या था मेरा गेट था, गेट प्रोडक्ट बाई आई डी दिस, ठीक है, इसने मुझे वैसे ही मैसेज बना के दे दिया कि भाई गेट प्रोडक्ट बाई आई डी दिस, ऐसे करके सक्सेस सक्सेसफुल भी लिख देना, ठीक हो गया। मैंने इस मैसेज के अंदर उस प्रोडक्ट की आईडी को भी इंक्लूड कर दिया, इसको मैं अगर ES6 के टेम्पलेट में लिखूं तो शायद ये थोड़ा क्लीन लगे, बोर्ड देख देना, ES6 के टेम्पलेट में लिख देता हूँ उसको, ठीक हो गया। मैंने कहा गेट प्रोडक्ट बाय आईडी दिस सक्सेस और नीचे मैंने वो प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है जी। अब मेरे पास क्या है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड प्रोडक्ट नॉट फाउंड, इसको भी मैं क्या करूंगा ऐसे मैसेज करके दूंगा, ठीक है। इसी तरह डिलीट है, डिलीट में मैं सेंड करता हूं जो एक मैसेज सेंड करता हूं, ये मैं ऐसे करके सेंड करूंगा, तो जितने भी मेरे रिस्पॉन्सेस हैं उनको मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, सिंपल टेक्स्ट को हटा के मैंने जेसन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्लाइंट सर्वर वाला जो प्रिंसिपल है उसके अंदर लाए कर रही है ये सारी की सारी चीजें, कि भाई सर्वर और क्लाइंट अलग अलग होंगे और बात कैसे करेंगे, जेसन में, जेसन में रिक्वेस्ट आएगी, जेसन में रिस्पॉन्स जाएगी, जाएगा सर्वर से वापस। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाती है। अगर आप इमेजिन करें कि हर रिक्वेस्ट पर पूरा HTML का पेज सर्वर से आ रहा हो तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्लो कम्युनिकेशन, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड वैसे तो अच्छी हो गई है आजकल पूरी दुनिया में, लेकिन स्टिल हमें बैंडविड्थ, कम से कम बैंडविड्थ में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करने अगर पॉसिबल रहे तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से आपने लिखा हुआ है जेसन में रिक्वेस्ट जा रही है और जेसन में ही रिस्पॉन्स आ रहा है, तो अगर यूज़र का इंटरनेट स्लो है तो भी आपकी एप्लीकेशन स्टेबली चलते रहने का चांस है, क्योंकि आपका डेटा फ्लो ही बहुत कम है, जेसन जाता है जेसन वापस आ जाता है, ठीक है। शुरू में एक दफ़ा लोड होने में टाइम लगेगा क्योंकि पूरी रिएक्ट की ऐप लोड हो रही है, लेकिन वंस वो ऐप लोड हो गई रिएक्ट की तो कैसे हो जाता है, उसके बाद सिर्फ जेसन जाना आना चलेगा, तो जेसन बहुत ही लाइट वेट होता है और टेक्स्ट होता है, ठीक है जी। और कोई रह गया हमारे पास, ये रह गया, ठीक है जी। और कहीं पे अगर एक दो रह गया हो तो बस खैर है, उसकी पॉइंट ये था कि समझ आ जाए कि हो क्या रहा है, ठीक हो गया जी। सबको मैंने चेंज कर दिया, अभी मेरे पास स्टिल वही 4 APIs हैं, वही 5 APIs हैं, लेकिन अब मैं इसको क्या करता जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इस प्रिंसिपल के ऊपर लाता जा रहा हूँ। स्टेटलेस इज अनदर प्रिंसिपल ऑफ REST API। स्टेटलेस का मतलब ये होता है कि आपका जो सर्वर है उसकी स्टेट मेंटेन नहीं होनी चाहिए, सही है। स्टेट का मतलब ये है कि कोई वेरिएबल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें डेटा सेव हो रहा है। क्या होगा उससे, सर्वर को रीस्टार्ट, सर्वर कब रीस्टार्ट हो जाए इस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। साइक्लिक
किसी भी वजह से आपके सर्वर को रीस्टार्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर कोई मेंटेनेंस हो उसकी अपनी इंटरनल, तो आपके सर्वर को बंद कर देगा थोड़ी देर के लिए। पेड प्लान में भी, फ्री प्लान नहीं सिर्फ पेड में भी वो सर्वर को रीस्टार्ट कर सकता है। या आपका सर्वर इस मशीन से बंद करके दूसरी मशीन पर चलाना चाहे, वो सर्वर तो आपका बंद नहीं हुआ, फौरन दोबारा चल गया, मतलब पहले वहाँ चलाएगा फिर इसको बंद करेगा, इतना ग्रेसफुली अगर उसने काम किया, तो भी क्या होगा आपका ये वेरिएबल खाली हो जाएगा। आपका ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, लूज। आप डेटा लूज कर जाएंगे इस वेरिएबल में जो भी था, ठीक है। तो इस वजह से आपने इसमें कभी भी कोई डेटा वेरिएबल में नहीं रखना है। ये अभी हम ड्रिल कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं, हम इसमें क्या कर देंगे MongoDB कनेक्ट कर देंगे, तो डेटा तमाम का तमाम हमेशा डेटाबेस में स्टोर होगा। अच्छा चले, आपने कहा नहीं यार डेटा अगर थोड़ा कुछ ही दूसरे किस्म का डेटा है, जैसे कि काउंटर है कोई, कि कितनी रिक्वेस्ट आपके पास आ रही है ना, आपने आप चाह रहे हैं कि उसको मैं काउंट करूँ, तो आपने यहाँ पे काउंटर बना दिया, आपने कहा चलो सर्वर पे काउंटर बना देता हूँ। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो आप उसमें वन प्लस करवाते हैं, सही है, वन प्लस करवाते हैं आप। और हम इमेजिन कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि सर्वर रीस्टार्ट भी नहीं हो रहा, तो वो डेटा सेम है, वो तो सेट अवेलेबल, लेकिन मसला ये है कि वो डेटा क्या होगा, वो स्टेबल नहीं होगा, वो कभी आपको 10 देगा, कभी आपको 12 देगा, कभी आपको हो सकता है 5 दे दे। आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है, ऐसा इस वजह से होगा कि आप जहाँ पे साइक्लिक पे या हरिको पे या गूगल ऐप इंजन पे या अमेजोन के इलास्टिक बीन स्टॉक पे कहीं पे भी डिप्लॉय करते हैं, उनके पास पीछे कुबरनेटीज का सेटअप लगा हुआ होता है, ठीक है। कुबरनेटीज का सेटअप ये, कुबरनेटीज इज अ ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम। ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम, ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है पता है किसी को? ऑर्केस्ट्रेशन वो होता है, आपने देखा होगा जो वायलिन वगैरह बजा रहे होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर जो होते हैं, तो सामने 50 लोग खड़े हैं जो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं वायलिन पे या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, और एक बंदा सामने खड़ा होकर ऐसे यूं यूं डंडी कर रहा होता है, डंडी लेके ना हाथ में ऐसे ऐसे कर रहा होता है और इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है सामने उन 50 लोगों को कि आपने क्या प्ले करना है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेशन, कि वो बस डंडी हिलाता है और वो सामने जो 50 लोग हैं ना, वो गेट कर लेते हैं कि हमने क्या करना है, उनको इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, समझ रहे हो, मतलब इशारे से उसको बताता है और वो काम कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। अच्छा, कुबरनेटीज जो है वो ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है कंप्यूटर्स का। इसमें होता ये है कि एक कंप्यूटर को मैं बनाता हूँ मास्टर, मेरे ये इस वाले कंप्यूटर को मैंने बना दिया मास्टर, और यहाँ पे जो 50 कंप्यूटर पड़े हैं इनको मैंने बोल दिया कि ये सारे स्लेव हैं। मास्टर स्लेव भी होते हैं और भी बहुत सारे इसमें टेक्निक्स होती हैं इसकी। अब होगा क्या कि मेरा जो मास्टर कंप्यूटर है ना, इसके पास ये एक्सेस आ जाता है कि ये जब चाहे इन 50 के 50 कंप्यूटर में से किसी को भी ऑन या ऑफ कर सकता है, और क्या कर सकता है, और किसी भी एप्लीकेशन को इन तमाम कंप्यूटर पे स्केल कर सकता है। मिसाल के तौर पे इस मास्टर को मैंने बोला कि मेरी ये प्रोडक्ट की ऐप है daraz.com है, मिसाल के तौर पे daraz.com को मैंने क्या कर दिया, इस Kubernetes के सिस्टम पे डिप्लॉय कर दिया। अब ये मास्टर डिसाइड करेगा जितनी रिक्वेस्ट आ रही है उतने कंप्यूटर ऑन करेगा, जैसे रिक्वेस्ट आना कम हो जाएगी तमाम कंप्यूटर को शट डाउन करके सिर्फ एक कंप्यूटर को छोड़ देगा, या 3-4 कंप्यूटर को। आप लिमिट कन्फिगर कर सकते हैं, आपको कि मिनिमम कितने ऑन रखने हैं, मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, ये सब कन्फिगर कर देते हैं, आप एक लिख देते हैं पहले ही कि अगर ऐसा ऐसा हो तो ये कर देना, ऐसा ऐसा हो तो ये, और डिफॉल्ट में उसमें कन्फिग्रेशन हुई भी होती है, अगर आप ना भी करें तो वो खुद बहुत समझदार है। तो ये मास्टर क्या करता है, इसके पास एक्सेस आ जाता है कि ये तमाम कंप्यूटर में आपकी ऐप को चला दें, ठीक है। तो अब आपका साइक्लिक जो हरिको या इलास्टिक बीन स्टॉक या गूगल ऐप इंजन, इनके पास कुबरनेटीज लगा हुआ है। आपको क्या लगता है कि आप जो एप्लीकेशन भेजते हैं वो एक डेडिकेटेड कंप्यूटर में डिप्लॉय होती है? नहीं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ 50 कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो आप साइक्लिक जैसा प्लेटफॉर्म इस लैब से भी बना सकते हैं। अब एक मास्टर होता है, अब आप अपनी ऐप जब डिप्लॉय करते हैं ना, तो मिसाल के तौर पर कंप्यूटर नंबर 6, इस मास्टर पहले देखेगा कंप्यूटर नंबर 6 पे इस वक्त टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर, इसका मतलब है ठंडा पड़ा हुआ है, उसको ऑन करेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑन ना करे, शायद दूसरे को ऑन करेगा। उसको ऑन करके आपकी ऐप को उस कंप्यूटर में कॉपी करेगा, एक फोल्डर बनाएगा उधर कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद npm install npm start चलाएगा, आपकी ऐप चल गई।
आपकी ऐप का एक कंटेनर तैयार करेगा और उस कंटेनर को एक यूआरएल से गेटवे से कनेक्ट कर देगा, ठीक है, यूआरएल को गेटवे भी कहते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि जितनी भी रिक्वेस्ट आपकी ऐप पे आ रही होगी ना, वो असल में मास्टर एक कंप्यूटर की जिम्मेदारी लगाएगा कि बच्चा तू जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है सब पकड़, कंप्यूटर नंबर वन को मिसाल के तौर पर उसने वो जिम्मेदारी दे दी। अब वो यूआरएल पकड़ता है, वो देखता है अच्छा कौन सी ऐप है, अच्छा ये प्रोडक्ट वाली ऐप है, ये इसकी जो ऐप है वो 6 नंबर पे चल रही है, तो 6 नंबर पे भेजेगा रिक्वेस्ट को, ठीक है, 6 नंबर से फिर रिस्पॉन्स चला जाएगा वापस। अब मिसाल के तौर पर मेरी ऐप पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लग गई, अब वो क्या करेगा, बोलेगा यार 6 नंबर कंप्यूटर पर लोड बढ़ गया है, तो 12-13 नंबर कंप्यूटर कोई खाली पड़ा हुआ था वो भी ऑन कर देगा, वो बोलेगा इस ऐप को इधर भी चला दो उधर भी चला दो। अब आपकी ऐप कितने कंप्यूटर में चल रही है, 2 कंप्यूटर में चल रही है, इसको हम कहते हैं पॉड। अब आपकी ऐप कितने पॉड्स पे चल रही है, 2 पॉड्स पर। अब ये अलग है इंडिपेंडेंट, 6 नंबर वाला और 14 नंबर वाला अलग है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अब क्या होगा, जो नंबर 1 कंप्यूटर था ना जिसकी जिम्मेदारी लगी थी यूआरएल पकड़ने की, वो यूआरएल पकड़ेगा ना तो वो उन दोनों के लोड को देखते हुए उन दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोड को, समझ लो। और ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी और कंप्यूटर ऑन कर देगा, डिपेंडिंग ऑन माय पैकेज और प्लान, जो मैंने साइक्लिक लो पैसे कितने दिए हुए, ठीक है, या गूगल ऐप इंजन को पैसे कितने दिए हुए, पता चला मेरा क्रेडिट कार्ड ही लगा हुआ फ्री वाले पे चल रहा हूँ, तो फ्री वाले पे शायद वो 2 से ज्यादा ऑन ना करें, बोले भाई ठीक है ज्यादा आ रही आने दे, फेल होगी बस खुद ही पैसे देगा, ठीक है। तो पेड प्लान पे मैं बोलूंगा अच्छा यार कार्ड लगा दो अनलिमिटेड, तो वो शायद 150 कंप्यूटर ऑन कर दे मेरे लिए। तो जैसे जैसे लोड आता जाएगा वो और कंप्यूटर ऑन करेगा, अल्टीमेटली 20-22-25 कंप्यूटर पे मेरा पोर्ट चल रहा है और हर मशीन के ऊपर मेरे ऐप का कंटेनर बना हुआ है। अच्छा उसी मशीन पे और लोगों की ऐप्स चल रही है तो कंटेनर आपस में सेपरेट होते हैं, तो एक पोर्ट पे 3-4-5 कंटेनर भी चल सकते हैं अगर लोड बहुत ही कम है। जैसे मेरी ऐप है उसमें कोई लोड ही नहीं है, वो बोलेगा भाई जान इसको उठाओ इसको ऐसे पॉड में डालो जिसमें और भी ऐप्स चल रही हैं, समझ रहे हो। तो ये ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है, ये मास्टर ऐसे ऐसे डंडी घुमाता है, बोलता है भाई ये कर दो वो कर दो, कंप्यूटर खुद ही ऑन होते हैं खुद ही ऑफ होते हैं, सारा कंट्रोल इस मास्टर के पास आ जाता है। अच्छा मास्टर भी 2-3 हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन भी कितने कंप्यूटर को कंट्रोल, पता चला मास्टर ही बेचारा प्रोसेसर इसका आउट ऑफ रेंज हो जाए तो मास्टर भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यूआरएल पकड़ने वाला कंप्यूटर भी एक से ज़्यादा हो सकता है, फिर इसमें एक कंप्यूटर का और डेटाबेस का होता है, डेटाबेस भी एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम कहलाता है, कुबरनेटीज इज द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम दीज डेज। इससे पहले भी लोग इस्तेमाल करते रहे डिफरेंट, गूगल ने पहले अपना बनाया हुआ था कुबरनेटीज, फिर उन्होंने बाद में पब्लिक कर दिया और लोगों के लिए। तो अब अल्टीमेटली हुआ क्या, आपकी ऐप चल रही है 20 कंप्यूटर पर, जब एक कंप्यूटर पर रिक्वेस्ट जाती है वहाँ पर ये काउंटर है कुछ और, ये बात हो रही थी काउंटर है कोई मसला नहीं है, वो URL तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सब पे, लोड तो बैलेंस हुआ है। अब जिस कंप्यूटर पर रिक्वेस्ट जाएगी ना उसका वेरिएबल उठ के आ जाएगा, दूसरे कंप्यूटर का वेरिएबल अलग, उन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो असूलन होना क्या चाहिए कि रिक्वेस्ट जो मेरी आ रही है क्लाइंट के पास से सर्वर पे, जब रिक्वेस्ट पहुंचती है तो मैं सर्वर पे कोई डेटा स्टोर ना करूं। अगर मैं डेटा स्टोर करता हूं ना तो फिर मैं Kubernetes वाले सिस्टम पे जाऊंगा तो मेरा ऐप मसला करना शुरू हो जाएगी। जब तक मैं बगैर Kubernetes वाले पर नॉर्मल वाले पर जब तक सही है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जितने भी ये फ्री वाले ना ज़्यादातर, या आपने देखा है पिछले दिनों बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स आ गए Node.js वगैरह के, वो आए इसी वजह से Kubernetes की वजह से, वरना इससे पहले ये होता था कि आपको लिनक्स की मशीन दे देता था गूगल, कहता था ये लिनक्स की मशीन है आप कर लो जो करना है इसके अंदर, फिर हम जाके फोल्डर बनाते थे फिर हम उसमें स्क्रिप्ट लिखते थे फिर हम कहते थे अच्छा यार कंप्यूटर ऑन हो तो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करो फिर उसमें Node.js इंस्टॉल करने की स्क्रिप्ट वगैरह सारी वो करके उसको चला के छोड़ देते थे। अब अगर वो खुद से बंद हो गया खुदा न खास्ता तो बंद पड़ा है गुड पड़ा है बंद, जो यूजर रिक्वेस्ट करता है वो बोलता है 500 खत्म ऊप्स 500 सर्वर ऑफलाइन खत्म। तो Kubernetes जो वो सेल्फ हीलिंग है, Kubernetes को समझ में आ जाता है कि क्रैश हो गया वो सेल्फ हील करता है उसको। तो Kubernetes इतनी फैसिलिटीज दे रहा है कि जितने भी ये सारे हैं ना फ्री वाले और पेड वाले भी वो सब Kubernetes को चला रहे हैं अपने पास। हेलो हाँ मैं क्लास अभी ख़त्म कर रहा हूँ बस निकल रहा हूँ यहाँ से, एक घंटा लगेगा आने में, अल्लाह हाफिज़।
अच्छा, तो ये सारे के सारे Kubernetes यूज़ कर रहे हैं और वो सबसे लेटेस्ट है, तो आप अपनी ऐप को बिना वजह डिसेबल क्यों करेंगे? मतलब माजूर कर रहे हैं ना आप अपनी ऐप को कि भाई आपकी ऐप Kubernetes पे नहीं चल सकती, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, कभी भी अपनी ऐप में स्टेट मेंटेन नहीं करेंगे, हमेशा डेटाबेस में डालेंगे डेटा, और जब भी डेटा चाहिए होगा तो डेटाबेस से लेंगे, आप वेरिएबल में डिपेंडेंट नहीं होंगे आप, ठीक है? तो ये लास्ट पैसे का हमारा रह गया, स्टेटलेस तो हमने देख लिया, उसके बाद कैशेबल। अच्छा, कैशेबल के लिए ना आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, अगर जेसन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बनी हुई है ना, क्योंकि गूगल क्रोम और एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क इटसेल्फ, ये सारे लोग ये REST API को समझते हैं, तो कैशेबल के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। आपने नोट किया होगा, अगर रिएक्ट किया एक दफ़ा लोड हो जाए तो दोबारा रिफ्रेश करने में वो खुद से जल्दी से लोड हो जाती है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। वेल, कुछ इसके लिए हमारे पास टूल्स भी होते हैं जो आपके डेटा को कैशे कर लेते हैं ना, लेकिन अभी जो हमारी ऐप जो हमने अभी बनाई है राइट नाउ, दिस इज़ ऑलरेडी कैशेबल, सही? अगर मैं एक ही API को दो दफ़ा कॉल करता हूँ, आपने अगर वेदर ऐप आप सब लोगों ने बनाई है ना अभी, उसमें आप कराची लिख के एक बार क्लिक करें और कराची लिख के दूसरी बार क्लिक करें, तो क्या होगा? वो सामने से ऑटोमेटिकली इस चीज़ को समझ जाता है कि ये वही API दोबारा कॉल हुई है। वो कहाँ गया हमारा रूम? अभी जो यार एयर डॉट सिस बॉर पर तुम लोगों ने भेजा था सब, अब देखो ये कराची लिखा ना मैंने, ये तुम लोगों ने जो बनाई थी उसी में से मैंने खोल लिया रैंडमली, और मैंने सर्च का बटन दबाया, तो अब देखो होता क्या है। अच्छा, ये तो ऐप चल ही नहीं रही बनाई इसकी। अच्छा, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, बहुत ज़्यादा जूम हो गया। देखो ये स्टेटस क्या लेकर आया, 200 कराची, ये वेदर की API कॉल हुई है और ये स्टेटस क्या लेकर आया 200। अब मैं दोबारा इसी को जब कॉल, अब उसने टेक्स्ट बॉक्स ही नहीं बनाया दोबारा कॉल करने के लिए, किसी दूसरे का चलाता हूँ। नाम बताओ। सेकंड, हेलो एक्सप्रेस साइक्लिक, इसको चला के देखते हैं। कराची एंटर, अभी 200 लाए, अब अगली बार करूंगा तो 304 लाए। अब 304 का मतलब क्या है, मैं लिखूंगा HTTP स्टेटस कोड 304, इसका मतलब क्या है पता है किसी को? नॉट मॉडिफाइड। गूगल क्रोम को पता चल गया कि जो पहले रिस्पॉन्स आया था ना, इसका भी वही रिस्पॉन्स है, मॉडिफाई नहीं हुआ, सही है? तो इसका मतलब ये है कि गूगल क्रोम ने ये 304 का मतलब है कि ये कैशे से ला के दे रहा है, इंटरनेट पर रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा। अब ये इनका मैकेनिज्म है, मैं जितनी बार भी करूँगा ना क्लिक, ये सर्वर से नहीं ला रहा, ठीक है? और सर्वर से नहीं ला रहा है का सबूत भी है, आप देखें इसका साइज चेक करें आप, पहले जो रिक्वेस्ट गई थी ना उसका साइज था 282 बाइट, उसके बाद वाला 137 बाइट है, ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, वो क्योंकि पहली दफा में एक्चुअल डेटा लाया था, अगली दफा में वो डेटा ही नहीं ला रहा, अगली दफा में वो ला रहा है 304 और वो ऑटोमेटिक ला रहा है, मैंने नहीं कुछ किया ना आपने कुछ किया। तो ये एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क अगर आप यूज कर रहे हैं और ये गूगल क्रोम जैसा कोई लेटेस्ट ब्राउजर है, तो कैशेबिलिटी ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत आपके पास आ जाती है, और आप अगर एडिशनल कुछ ना करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे पास ना कुछ कैशे करने का क्या होता है, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ टूल्स होते हैं, जो मिसाल के तौर पर अब जैसे मैंने डेटाबेस से कोई डेटा आता है, मैंने 2000 स्टूडेंट, मैंने बोला तमाम स्टूडेंट की लिस्ट लाओ, क्लिक किया 2000 स्टूडेंट डेटाबेस से उठकर आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब मैं क्लिक करूँ तो अगर वही 2000 है तो डेटाबेस से ना उठकर आए, डायरेक्ट उठकर आ जाए, ठीक है? तो उसके लिए एक इलास्टिक सर्च नाम की चीज़ होती है, इन मेमोरी डेटाबेस, तो वो क्या करता है, एक चीज़ जो आपने डेटाबेस से उठा ली वो दोबारा नहीं जाता डेटाबेस में, वहीं से ला कर देता है, ठीक है? इसी तरह आपके पास एक रेडिस करके टूल होता है, जो हम दोनों टूल हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको नाम बता रहा हूँ ताकि आप बाद में अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो आपको एक नाम बताओ, उस नाम को लिख कर आप गूगल करेंगे और आप उस चीज़ को सीख लेंगे, ठीक है? तो रेडिस करके एक चीज़ है, वो बहुत वाइडली लोग यूज़ करते हैं, रेडिस भी यही काम करता है कैशेबिलिटी वाला, लेकिन उससे एप्लीकेशन थोड़ी आपकी मजीद फास्ट हो जाती है, ठीक है? जो बड़ा बड़ा डेटा होता है, मिसाल के तौर पर किसी ने एक MP3 का सॉन्ग डाउनलोड किया, वो अगली दफ़ा करेगा तो वो कैशे से उठ कर आ रहा होता है, ठीक है? तो आपका डेटाबेस का लोड काफ़ी कम हो जाता है इस कैशेबिलिटी से, भाई ठीक है? तो ये हमारा चार हो गया, और ये हमारा पाँचवा, एक लास्ट देखते हैं हम चलते हैं।
The layer system allow you to architect to be compose hierarchical layer by considering of the computation. For example, in layer system, each component cannot see beyond the immediate layer of interacting view. अच्छा, layer system का मतलब ये है कि आप ना सर्वर के अंदर ना देख सकेंगे क्या हो रहा है. Each layer को अगली layer का पता ना हो कि अगले layer पे क्या हो रहा है. High level पे चीजें चल रही हो. अच्छा, इसके लिए भी हमें कोई एडिशनल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं और गूगल क्रोम जैसा कोई लेटेस्ट ब्राउज़र है, तो ये चीज़ें बैकएंड पे खुद ही हैंडल हो गई होती है. ठीक है, ये तो प्रिंसिपल जब लिखे गए थे तो उस वक्त तो REST API का नामो निशान भी था ना, वो तो शुरू में लिखे गए थे. ठीक है, तो इसलिए इसमें डिटेल वाली ये चीज़ें मौजूद हैं. तो लेयर्ड सिस्टम का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं एक API कॉल करता हूँ, मैंने एक API कॉल की मिसाल के तौर पर app.getProduct/ और उसकी आई डी मैंने लिखी 3257 जो भी लिखा मैंने. ये API जब मैंने कॉल किया ना, तो अब उस API के पीछे क्या हो रहा है ये मुझे पता नहीं चलना चाहिए. API के अंदर क्या हो रहा है ये मुझे पता नहीं चलना चाहिए. मिसाल के तौर पे मैंने वेदर ओपन वेदर API की ना, मेरा पैर लगा, वॉल्यूम बढ़ गया था. अच्छा, तो ओपन वेदर API की जब आप API कॉल करते थे ना, हम कहते थे स्लैश सिटी नेम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के हम कहते थे यूनिट मैट्रिक, और उसके बाद हम एक और दो बात कहते थे उसमें, API टोकन देते थे. वो देख के हमने API कॉल कर दिया. अब API के अंदर वो डेटा कहाँ से ला रहा है, कैसे ला रहा है, ये मुझे पता नहीं चलता है. तो लेयर्ड सिस्टम यही होता है कि एक लेयर पे अगर आप बैठे हैं तो आप अगली लेयर का आपको पता ना हो, बस आप कॉल करें और डेटा आ जाए आपके पास जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है. मैं क्या करता हूँ, मैं जाके ओपन वेदर का डॉक्यूमेंट देखता हूँ. अच्छा, रिस्पॉन्स इस तरह का, सपोजिटली इस तरह का रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो मैं उसको देखते हुए कॉल करता हूँ, वैसा रिस्पॉन्स आ जाता है, दैट्स इट. लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता होता. ठीक है, तो लेयर्ड सिस्टम ये चीज़ होती है. मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा फ्रंट एंड पर बैठा हुआ है, रिएक्ट की एप्लीकेशन पर वो फॉर्म फिल करता है और सबमिट करता है, तो पीछे क्या हो रहा है सर्वर पर वो उसको पता नहीं चलना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो राइट क्लिक करके देख लेगा कि API जो कॉल हुई है उसका URL क्या था, दैट्स इट. उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं देख सकता. ठीक है, सर्वर अंदर से बिल्कुल प्राइवेट होगा हमारा. ठीक है, अब लेयर्ड सिस्टम में अब और भी डिटेल्स हैं इसकी. मिसाल के तौर पे लेयर्ड सिस्टम में ये भी होता है कि आपके जो इंटरनेट का जो डेटा निकल रहा है आपके कंप्यूटर से बाहर निकल रहा है, वो भी आपको पता है 7 layers में निकलता है. तो ईच लेयर इंडिपेंडेंट होती है. कौन मुझे ये बता सकता है कि TCP कितने लेयर्स को यूज़ करता है? BSCS के कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? 4 यूज़ करता है BSCS के. तो अच्छा वैसे ही, अच्छा मेरे ही स्टूडेंट. हाँ, BSCS कितने लेयर यूज़ करता है? अच्छा, पहले ही सेमेस्टर में होगी. ठीक है, खैर अलग से इसको गूगल करना, अब वो एक बहुत लंबी डिटेल है अगर मैं वो बताना शुरू करूँ. लेकिन जस्ट आपको ये बताता चलूँ मैं कि तार में से जो गुजरता है ना, वो 0 और 1 गुजर सकता है. तो ये जो जेसन मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ ना, मैं जो सर्वर से रिस्पॉन्स में भेज रहा हूँ ना जेसन, वो तारों के जरिए 0-1 में होके पहुँचेगा मेरे क्लाइंट तक. लेकिन मैं जब रिस्पॉन्स नॉट सेंड बोल के जेसन लिख देता हूँ उसमें और मैं छोड़ देता हूँ, तो मुझे वो आगे का काम खुद हो जाता है, मुझे नहीं उसको 0-1 में कन्वर्ट करना. तो मैं लेयर सिस्टम में काम करूँ, मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्स नॉट सेंड और ये जेसन, ठीक हो गया, खत्म आ गया. अब आगे का काम फ्रेमवर्क देखेगा और वो मशीन देखेगी जिस पे ये फ्रेमवर्क चल रहा है, मैं नहीं देखूंगा ये काम. ठीक है, तो इस तरह लेयर्ड वाली चीज़ है. लेकिन पॉइंट ये कि आपको इसके लिए कुछ एडिशनल काम नहीं करना है. ठीक है, अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है, रिएक्ट आप पूरी पढ़ चुके हैं सब लोग, रिएक्ट पूरी पढ़ चुके हो ना, ये 4 APIs मैंने बनवा दी है. अब इस ये इसमें से ना मैं वेब का फोल्डर डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये वेब में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, चेंजेस मैंने इधर ही किए सर. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि एक फ्रंट एंड बनाना है रिएक्ट का, एक सिंगल पेज, दैट्स इट, एक सिंगल पेज होगा रिएक्ट का, कोई राउटर नहीं, कुछ भी नहीं. टॉप पे उसके अंदर एक फॉर्म आ रहा होगा जिसमें 3 डेटा होगा. उस फॉर्म में कुछ लिख के मैं पोस्ट का बटन दबाऊं तो क्या हो जाए, ये पोस्ट हो जाए, इधर सर्वर पे पहुंच जाए और इस वेरिएबल में आके सेव हो जाए. API बना के दे चुका हूँ, इसी API को यूज़ कर लेना, खुद से दोबारा API बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नीचे एक बटन होगा गेट का, मैं गेट का बटन प्रेस करूँ, ऑल प्रोडक्ट गेट होके स्क्रीन पे रेंडर हो जाए, हो जाएगा,
कर चुके हो ना ये कई दफा, वेदर ऐप में यही तो करते थे, एपीआई से डेटा आता था स्क्रीन पे दिखा देते थे, यही करते थे ना। तो उसके बाद गेट की एपीआई कॉल हो, उसके बाद क्या हो, दोनों आइटम्स के आगे एडिट और डिलीट का बटन आ रहा हो, मैं डिलीट का बटन अगर दबाता हूँ तो वो प्रोडक्ट डिलीट हो जाए, और अगर एडिट का बटन दबाता हूँ तो मेरे पास एक फॉर्म आ जाए एडिट का, और मैं लिंक के एडिट करूँ तो वो मॉडिफाई हो जाए वो प्रोडक्ट, यानी जब अगली दफा मैं गेट ऑल करूँ तो वो मॉडिफाई हुआ हुआ मिले मुझे, हो जाएगा ये काम। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ये बोर्ड में पुश कर रहा हूँ।